हेलो एवरीवन तो कैसे हैं आप लोग देखिए आज हम लोग गए आयु पैक नोमिकलेचर लेक्चर थ्री में ठीक है आ, कुछ आगे बात करें उसके पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय लवली वेकेशन प्यारे वेकेशन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा आयुपेक नोमिक्लेचर ऑफ अल्किन हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर रहे हैं आज से है ना हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे हाइड्रोकार्बन पहले अल्केन की बात करेंगे फिर अल्किन की बात करेंगे फिर अल्काइंस की बात करेंगे स्पायरो कंपाउंड्स की बात करेंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड्स की बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करेंगे देन पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे फिर सबको मिला मिला के मिला मिला के मिला मिला के उन सब की बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो लास्ट में आप बहुत इन्जॉय करोगे क्योंकि लास्ट में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे और उसके बाद आप मस्त तरीके से अच्छा पॉली पॉलीफंक्शन ग्रुप में करने से पहले पहले हम मोनो फंक्शन ग्रुप मतलब एक एक फंक्शन ग्रुप का नेमिंग आपको सिखाएंगे ईथर का क्या होगा अल्कोहल का क्या होगा एनहाइड्राइड का क्या होगा ईस्टर का क्या होगा अमाइन का क्या होगा अमाइड का क्या होगा है ना इपॉक्सी का क्या होगा वो सारे एक एक करके सिखाएंगे फिर फिर उन सबको एक है ना उन सबको मिला मिला के मिला मिला के क्वेश्चंस देंगे और उस तरह से फिर बाद में फाइनली हम क्या करेंगे कि ऐसे ऐसे कंपाउंड्स लेंगे जिसमें स्पायरबो भी होगा बाईसाइक्लो भी होगा पॉलीफंक्शन भी होंगे अल्किन भी होगा अल्किन भी होगा अलकाइन भी होगा मतलब समझ रहे हो कि क्या अल्टीमेटली सिचुएशन बनने वाला है तो ये कुछ इस तरह से बेटे हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे चलिए तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी और आगे की बात करते हैं और हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी आयु पैक सो so, आयु पैक इज व्हाट इज आयु पैक आयु पैक इज बेसिकली बेटा क्या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कहाँ से हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं कोई और एटम नहीं होगा जहाँ पर केवल और केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे चाहे वो डबल बॉन्ड की बात हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड की बात हो जहां जहाँ पर केवल डबल या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड होंगे है ना तो अगर सिंगल बॉन्ड वाला है तो उसको हम बोलते हैं अल्कीन अगर डबल बॉन्ड आ गया बेटा तो उसको हम क्या बोलते हैं अल्कीन बोलते हैं और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं अलकाइन बोलते हैं तो इसमें से जो पहला है इसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं बेटा है इसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना और बाकी के ये जो दो दोनों हैं इनको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेशन का मतलब बेटे पता है क्या है जहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए है ना उसको बोलते हैं अनसेचुरेशन तो इसलिए हमने इसको बोला अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन ठीक है तो हाइड्रोकार्बन के बारे में कुछ आइडिया इस तरह का है जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात ही होगी और कोई और फंक्शन ग्रुप यहाँ पर नहीं होगा दैट विल बी ओनली हाइड्रोकार्बन तो अभी जो हम नेमिंग की बात करेंगे या आयुपैक की बात करेंगे या कॉमन नेम की बात करेंगे वो हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे है ना और उसमें भी बेसिकली हम अल्केन अल्केन को बेटा हम लोग पाराफिनस भी बोलते हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं चूंकि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं है ना और इनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है बेटा सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा अभी छोड़ो आपको बॉन्डिंग में सिखाया जाएगा इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड होते हैं ओनली सिंगल बॉन्ड होते हैं कोई डबल और ट्रिपल नहीं होते हैं सिंगल बॉन्ड इस तरह के और जब हम बात करते हैं है ना तो इनको हम बोलते हैं बेटा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों क्योंकि इनका जो सिंगल बॉन्ड है काफी मजबूत होता है बेटे है ना और चूंकि काफी मजबूत होता है तो इसके टूटने के चांसेस कम होते हैं इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होते हैं है ना इसलिए और ज्यादा स्टेबल होंगे तो इनका रिएक्टिविटी कम होगा क्योंकि जब ज्यादा स्टेबल हो गया तो रिएक्ट करने के चांसेस कम होंगे तो हम पाराफिनस भी बोलते हैं लिस्ट रिएक्टिव भी बोलते हैं इसमें से आपका अल्कीन और अलकाइन डबल बॉन्ड आ गया तो अल्कि ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अलकाइन ये सब चीजें बहुत डिटेल में सीखोगे आप और इन दोनों को हम लोग जैसे हम लोग अल्किन को पाराफिनस बोलते हैं वैसे बेटा हम लोग अल्किन और अलकाइंस को ओलिफिन बोलते हैं है ना है और ये ओलिफिन का मतलब होता है अनसेचुरेशन और इनको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तो मुझे लगता है आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी चलिए अब आगे बात करते हैं और नेक्स्ट है आयुपेक नाम लिखने से पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेटा किसके कॉमन नेम ऑफ अल्केन्स किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग कॉमन नेम ऑफ अल्केन्स पहले हम लोग कॉमन नेम्स की बात करेंगे तब ज्यादा मजा आएगा अच्छा कॉमन नेम में बेटा हम लोग क्या क्या बात करने जा रहे हैं कॉमन नेम में बेसिकली हम लोग जो बात करेंगे है ना आइजो अल्केन क्या होता है ठीक है नियो क्या होता है ठीक है सेकेंडरी क्या होता है अल्केन है ना सेकेंडरी या फिर टसरी क्या होता है और इन सब में क्या डिफरेंस है बेसिकली वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। सो आइसो नियो सेकेंडरी टर्सरी है ना अलकेन क्या होता है अल्काइल क्या होता है है ना तो so, अल्केन से अगर हम हाइड्रोजन एक निकाल दें तो क्या बन जाता है बेटा बेसिकली अल्काइल तो ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में बात करने जा रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग स्टेप में चलते हैं फटाफट प्रॉपर तरीके से आप देखते चले जाओ बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना है सबसे पहले हम आपको सिखाना चाहते हैं बेटा कि भाई आपका जो है ना ये आइसो अल्केन क्या होता है सिखाएंगे उसके बाद सारे नोट्स में फटाफट दिखाएंगे बस एक दो में आप सीखो फिर वहीं पे आपकी प्रैक्टिस करेंगे सो देट ये काम भी जल्दी हो जाएगा आइसो अल्केन क्या होता है तो सबसे पहले बेटा आइसो अल्केन के लिए सबसे पहले आप अलकेन बनाओ जैसे हमने कहा कि नॉर्मल हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन है नॉर्मल ब्यूटेन तो ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन चार कार्बन एक दो तो, तीन चार आप एक चीज समझ लो बेटा मिथ है मतलब एक कार्बन एथ अगर आ रहा है तो मतलब दो कार्बन आगे और डिटेल में बताएंगे आपको है ना सारी चीजें प्रोप आ रहा है मतलब है ना कितने तीन कार्बन ब्यूट आ रहा है मतलब चार कार्बन है ना मिथ प्रो ब्यूट के तो बाद पेंट अगर आ रहा है, तो है तो कितने कार्बन पांच कार्बन हेग्स अगर आ रहा है तो कितने कार्बन सिक्स कार्बन है ना हिप्ट अगर आ रहा है तो हिप्ट में बेटे कितने कार्बन सेवन कार्बन है ना ऑक्ट अगर आ रहा है तो ऑक्ट में कितने कार्बन एट कार्बन है ना नॉन अगर आ रहा है तो नॉन में कितने कार्बन नाइन कार्बन और अगर डेक आ रहा है तो डेक में कितने टेन कार्बन होते हैं ये हम आगे बात बताएंगे सब क्या चीजें अभी थोड़ा सा चूंकि कॉमन नेम की बात हो रही है तो उससे रिलेट करके नॉर्मल ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन की बात करें अगर कर। पहले हम कॉमन नेम्स की बात करने जा रहे हैं तो आपने ये लिखा अब मान लो दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन अब इसका अब मान लो सपोज आपको आइसो लिखना है तो क्या तरीका होगा तरीका समझो पहले फटाफट तरीका समझो बेटा मजेदार तरीके से समझना तो आप क्या करो बेटा इसमें नॉर्मल ब्यूटेन में इसको लेट एन है है ना तो एन का वैल्यू कितना है चार है आपको क्या करना है बेटा एन माइनस वन करना है तो एन माइनस वन किया तो फोर माइनस वन किया थ्री आ गया जो थ्री आ गया तीन का स्ट्रेट चैन बना दो तीन का स्ट्रेट चैन बहुत सिंपल तरीका बता दे रहा हूं तो आप जो भी नॉर्मल ब्यूटेन है तो सबसे पहले आप अलकेन देखो और उस अगर जितने कार्बन का अल्केन स्ट्रेट अल्केन है ना उसे एक कम कर दो एन माइनस वन कर दो तीन आ तीन का स्ट्रेट चेन अब इनका नंबर लिख लो वन टू थ्री जैसे आपका क्या था वन टू फोर था उसका सेकेंड नंबर पर एक कार्बन लगा दो और उसका जो ये जो ये ब्रांचिंग है इसके अपोजिट साइड में इस साइड में फ्री वैलेंसी कर दो अब ये जिससे भी जुड़ जाएगा ये ग्रुप जो हो जाएगा आपका ये ग्रुप होगा इससे जुड़ेगा है ना यहां पर या फिर अभी जुड़ने का छोड़ो अभी हम ब्यूटेन की बात कर रहे हैं तो दिस इज आइसो ब्यूटेन क्लियर जैसे कि चलो नेक्स्ट बताओ आप मुझे पहला ये हो गया चलो दूसरा अगर हम बात करें नॉर्मल पेंटेन की किसकी बात करें बेटा नॉर्मल पेंटेन की अभी एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको फटाफट नॉर्मल पेंटेन तो क्या बेटा पांच कार्बन देखो पेंटेन पांच कार्बन का एक दो तीन चार पांच वन टू तो, थ्री फोर फाइव ये एन इक्व टू फाइव है क्या बेटा आप यहां पर इसका आइसो पेंटेन लिख सकते हो क्या कैसे करोगे एन माइनस वन कर दोगे मतलब फाइव माइनस वन इक्व टू फोर कर दोगे तो अब चार का स्ट्रेट चैन बना लो आप चार का स्टेट चेंट समझना पहले बात वन टू थ्री फोर उसके बाद सेकेंड नंबर पर कार्बन लगाओ बस खत्म सो दिस बिकम्स सपोज ऐसे ही हमको आपको बताना बना है सपोज हमने लिया नॉर्मल हेक्जेन आगे आप बना लोगे बेटा तो कितना हो जाएगा बताओ बेटा एक दो तीन चार पांच छह हेक्जेन में कितने सिक्स अब यह क्या करो एन का वैल्यू बेटा इसके लिए कितना हो गया बताओ सिक्स है तो बताओ तो बेटा अगर आपको आइजो हेक्जेन लिखना है तो आइजो हेक्जेन आप कैसे लिखेंगे जरा आप मुझे बताएं क्या आप एन माइनस वन करेंगे क्या आप सिक्स माइनस वन करेंगे तो क्या फाइव आएगा तो फाइव जब आप करोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव और सेकेंड नंबर पर कार्बन लगा दो तो ये आपका आईसो हेक्जेन हो जाएगा तो मुझे लगता है आइसो आपको समझ में आ गया बोलो बेटा आइसो समझ में आ गया चलिए एग्जाम्पल्स दिखाते हैं हम आपको बना रखे मैंने सारे एग्जाम्पल फटाफट देखते चले जाते हो सो इफ एन कार्बन इन नॉर्मल नॉर्मल अगर आपके पास N में एनअल है कार्बन है तो आप क्या करो एन माइनस वन का स्ट्रेट चेन बना लो जैसे कि मैंने आपको बताया एंड एक कार्बन को एज ए ब्रांचिंग लगाओ कौन से कार्बन पे सेकेंड कार्बन पे ये तो समझाया जैसे कि देखो एन एफ टेन पांच कार्बन थे आपने चार का बना लिया देखो चार का बनाया उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपने एक कार्बन लगा दिया है ना जैसे एन एग्जेम की बात किया हमने अभी तो देखो बेटा सिक्स का स्टेट बनाया और उसे एक कम कर दिया तो अभी देखो पांच का स्टेट बना अब शायद आप बात समझ लो ना बेटे अब अच्छे से यस पांच का बना उसका सेकेंड नंबर पर कार्बन लगा दिया देखते जाओ फटाफट देखिए 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 अब जरा सा अब मान लो एन हेप्टेन की बात करें तो सात का बनाया और एक कम कर दिया अब बताओ बेटा सिंपल सारी चीजें आपके सामने है बेटे ये कॉमन हम देखो कितने मस्त तरीके से हम लोग समझेंगे बात को है ना मजा आ जाएगी आपको सच बता रहेगा आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा ये सारी चीजें बेटा इस बुक में बहुत प्रॉपर तरीके से मैंशन नहीं होती हैं इसलिए ध्यान से समझो सीखो जो मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको अब देखो बेटा छह था ट्वेल्थ सेवन था अब एक कम तो छह का हो गया छह का स्टेट चेन बनाया और सेकेंड नंबर पर कार्बन लगा दिया अब आइसो नोने बनाना है तो आइसो नोने के लिए पहले क्या करो नाइन कार्बन का वन टू थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन देखो वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हो गया नाइन अब एक कम कर लो तो ये नाइन कार्बन का था बेटे एक कम करिए तो देखो एट कार्बन का स्टेट चेन आपने बनाया ये उसका सेकेंड नंबर पे आप एक कार्बन लगा दो तो ये आपका आइसोनोनेन बन जाएगा ये आपका आइसोनोनेन बन जाएगा बन गया देखो सेकेंड नंबर पे कार्बन ये वन टू सेकेंड नंबर गया

सिर्फ यही एक एक्सेप्शनल केस है आइसो का बाकी आप दुनिया का कोई भी आइसो कंपाउंड बना सकते हो है ना सो दिस अबब रूल इज नॉट वैलिड फॉर दिस केस पर्टिकुलर दिस आइसो एक्टेन का ये जो फॉर्मूला है बस ये यह ध्यान रखना यहाँ कहानी गड़बड़ हो सकती है चलिए तो आपको बात समझ में आ जाती है बेटे अब इतनी बात समझ में आने के बाद आपको आइसो क्लियर हो गया बेटे है ना अब आइसो क्लियर होने के बाद अब आइसो अल्केन मैंने आपको बताया समझो मैंने आपको अभी क्या बताया बेटा आइसो अल्केन जरूर को जरा साहब ध्यान से मैंने आपको क्या बताया अभी आइसो अल्केन बताया Now, अब आइसो के बाद हम आपको सबसे पहले अल्काइल बताएंगे और उसके बाद फिर हम आइसो बताएंगे अब इन दोनों को समझो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा बताओ अगर ये सारी चीजें आप सीख लोगे तो ऑर्गेनिक देखो कैसे आप हलवा हो जाएगा बेटे आपके लिए मतलब समझ हो अभी हम कॉमन नेम बता रहे हैं आपको सो so, अल्काइल बताएंगे फिर आपको आइसो बताएंगे चलिए थोड़ा सा पानी पीते हैं पहले अल्काइल सबसे पहले अल्काइल की बात करते हैं सबसे पहले अल्काइल की बात करते हैं फिर इसके भी नोट्स अभी दिखाते हैं हम हम आपको आपको पहले से दे दें। फिर फटाफट वहां से अल्काइल में क्या होता है बेटा जैसे अल्केन होता।, होता? होता है अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है सीएन एस टू एन प्लस टू होता है अल्केन ठीक है इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है अल्केन का अगर आप इससे क्या करो एक हाइड्रोजन निकाल दो तो आपका क्या बन जाता है एक हाइड्रोजन निकाला तो सी एन एच टू एन प्लस टू था तो प्लस वन हो जाएगा बेटे और ये अल्काइल बन जाता है ये अल्काइल फॉर एग्जाम्पल आपके पास सी एच फोर था अल्केन है बेटे ये अब यहाँ से आप एनिकोसू वन डालोगे तो आपका सी एच फोर बन जाएगा वन डालो देखो वन डाला और देखो सी एच फोर बन गया आपका सी एच फोर बन गया बन गया अब इसे एक निकाल दोगे हाइड्रोजन तो बेटा ये सी एच थ्री बन जाएगा और ये इसका एक वैलेंसी फ्री हो जाता है अब एनिकोसू टू डाल दोगे बेटा तो या पे क्या सी देखो टू डाला तो सी टू एच सिक्स हो जाएगा ये तो सी टू एच सिक्स इसका स्ट्रक्चर बनाओगे अगर इसे एक हाइड्रोजन निकालोगे तो ये सी टू एच फाइव हो जाएगा है ना तो इसको हम बोलते हैं क्या मिथाइल इसको हम क्या बोलते हैं बेटा इथाइल शॉर्ट फॉर्म में इसको ई टी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको एम ई लिखते हैं और आगे डिटेल में बताएंगे देखते चले जाओ मतलब हर चीज़ कवर होगी बेटा बहुत अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो सी एच थ्री सी एच टू सॉ सी एस थ्री सी एस थ्री होगा और एक हाइड्रोजन निकालोगे तो बेटा सी एस थ्री और सी एच टू और ये हो जाएगा ठीक है ऐसे अगर आप एनिकोसो थ्री डाल दो तो बेटा क्या हो जाएगा बताओ सी थ्री एच सेवन हो जाएगा सी थ्री एच एट सॉरी सी थ्री एच एट हो जाएगा सी थ्री एच एट इसको आप क्या लिख सकते हो सी टू एच फाइव अब इससे एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो बेटा बताओ सी थ्री एच सेवन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा स्ट्रक्चर बनाओ तो सी एस थ्री सी एच टू सी एस थ्री हो गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन आपने निकाला तो बेटा क्या बन गया सी एस थ्री सी एच टू अब सी एच टू कुछ ये आ गया है ना समझ लो बेटा तो अल्काइल मतलब अलकेन से कैसे अल्काइल बनेगा आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी किस तरह से क्या करना है अब अब बात यहां पर अल्काइल की हो रही है बेसिकली तो अल्काइल देखो कई तरीके होंगे हम यहां पर बात करने जा रहे हैं बेटा नॉर्मल अल्काइल की नॉर्मल अल्काइल की तो भैया नॉर्मल अल्काइल क्या होगा जैसे अभी आप नॉर्मल अलकेन की बात कर रहे थे ना इसके पहले हमने किसकी बात की थी नॉर्मल अल्केन की जहां पर कोई नॉर्मल का मतलब जहां पर कोई ब्रांचिंग ना हो तो जैसे इसके पहले हमने नॉर्मल अलकेन की बात की थी तो नॉर्मल अल्केन कैसा था बेटा आपका केवल स्ट्रेट चैन था स्ट्रेट चैन था तो आपको कुछ नहीं करना है नॉर्मल अल्केन जो आपका क्या था स्ट्रेट चैन था तो आपका जो नॉर्मल अल्काइल होगा वो भी स्ट्रेट होगा जो आपका नॉर्मल अल्काइल होगा बेटे वो भी क्या होगा स्ट्रेट चैन होगा वो भी वो भी आपका स्ट्रेट चैन होगा अब कैसे देखो क्या करना है वो समझना बात को तो पहले आप नॉर्मल अल्केन ले लो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इथेन की इथेन इथेन की बात करते हैं चलो इथेन का फॉर्मला बेटा क्या है सी एस समझ रहे बेटा अब आपको क्या करना है बेटा जो लास्ट कार्बन है जैसे ये लास्ट कार्बन ये दोनों सेम है लास्ट ये दोनों सिमेट्रिकल कोई दिखा लास्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल देना है तो आपका नॉर्मल तो आपका नॉर्मल अल्काइल बनेगा नॉर्मल अल्काइल दिस इज नॉर्मल जैसे ये इथेन है नॉर्मल इथाइल या इसको सिंपल इथाइल बोल सकते हो दिस इज नॉर्मल इथाइल और सिंपल इसको हम इथाइल भी बोलते हैं जैसे आपने क्या किया बेटा प्रोपेन लिया तो देखो सबसे पहले आप अब दूसरा आपने लिया प्रोपेन प्रोपेन तो सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री है ना स्ट्रेट तो दिस इज प्रोपेन नहीं इसको ये नॉर्मल इथेन है ना स्ट्रेट चैन दिस इज नॉर्मल प्रोपेन एन प्रोपेन बोल सकते हो इसको नॉर्मल प्रोपेन एन लिख देते हैं वहाँ पे अब यहाँ से एक लास्ट कार्बन से निकालो एक हाइड्रोजन तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू और बेटा ये सी एच टू और ये वैलेंस इसका फ्री हुआ सो इस नॉर्मल अल्काइल सो नॉर्मल प्रोपाइल मेथ एथ प्रोफ है तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्काइल में वायल लग जाता है ठीक है ना जैसे अल्केन है अलकेन था तो अल्केन में देखो यहाँ पर है ना ये ए एन की जगह पर वाई लग जाता है तो अल्केन से अलकाइल बन जाता है मुझे लगता है यहां तक बात समझ में आ गई होगी अब आपको हम डायरेक्ट दिखा देते हैं है ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है

या सिंपल पेंटाइल बोल सकते हो जिसे चार कार्बन का है नॉर्मल ब्यूटेन तो अगर ये नॉर्मल ब्यूटेन है तो जिसे नॉर्मल ब्यूटाइल आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी अब बात आपको ये समझाना है बेटा कि नॉर्मल अलकेन समझ में आ गया नॉर्मल अल्काइल समझ में आ गया आइसो अलकेन समझ में आ गया अब आइसो अल्काइल क्या होता है वो समझना है बात को समझो अब आइसो अल्काइल क्या होता है वो बात को समझना है तो ये अल्काइल है ये तो नॉर्मल अल्काइल है ये क्या है बेटा नॉर्मल अल्काइल अब अगर हमें अब हमें अगर बनाना है क्या आइसो अल्काइल तो वो कैसे बनाए अब जरा इस बात को समझो क्योंकि यही चीज आपको आगे लगानी है और इस बात को आप समझ गए तो फिर मजा ही मजा है जरा देखो इस चीज को कैसे समझना है वो मैं आपको बताता हूं बहुत मजेदार चीज अब आ गई तो अब आइसो अल्काइल की बात अगर हम कर लें जरा देखिए ध्यान से आइसो अल्काइल आइसो अल्काइल कैसे बनेगा तो बेटा क्या आइसो अल्काइल के लिए क्या हमें पहले आइसो अल्केन चाहिए होगा तभी तो बनेगा ना अगर हमें आइसो अल्काइल बनाना है बेटा तो पहले हमें तो आइसो अल्केन बनाना होगा सो वेरी वेरी फर्स्ट फर्स्ट वी वी हैव हैव टू टू मेक मेक हमें पता होना चाहिए क्या आइसो अल्केन जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूं कि भैया जितना नॉर्मल अल्केन है उसमें से एक कम कर दो और सेकेंड नंबर पर कार्बन लगा दो तो आइसो अल्केन बन जाता है आपका तो आइसो अल्केन से आइसो अल्काइल कैसे बनाए वो समझना है अच्छा अगर हम आपसे बात करें सबसे पहले आइसो पेंटेन ना या फिर हम बात कर ले सपोज आइसो प्रोपेन या आइसो ब्यूटेन चलो बात करते हैं आइसो ब्यूटेन कैसे बनाओगे पहले जल्दी फटाफट स्टेप बाय स्टेप समझो पहले तो पहले हम, हम आइसो है ना ब्यूटेन बनाना है तो पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें आइसो ब्यूटेन बनाना है देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे तो बेटा सबसे पहले देखो सीक्वेंस लिख लो सबसे पहले आप नॉर्मल अल्केन सोचो नॉर्मल एल्केन सोच लोगे नॉर्मल अल्केन के बाद आप आइसो अल्केन सोचो और जब आप आइसो अल्केन सोच लोगे ना बेटे और देखो ये सब सेकेंड में काम करने हैं बेटे सिक्वेंस मैं लिख रहा हूँ आइसो अल्केन सोच लो और जब आइसो अल्केन बन जाए तब आप बनाना आइसो अल्काइल उसके बाद फिर किसी भी ग्रुप का कैसे भी नेमिंग दोगे देखना क्या मजा आने वाली है तो आइसो ब्यूटेन की बात करें अगर हम तो बेटा क्या हम सबसे पहले अगर हमें ये निकालना है तो क्या हम इसका सबसे पहला सिक्वेंस जो है क्या हम वो फॉलो करें क्या फॉलो करें सबसे पहले क्या हम इसका नॉर्मल ब्यूटेन देखें चलो समझाने के लिए ये आप फटाफट करोगे नॉर्मल ब्यूटीन देखते हैं सो so, देखो नॉर्मल ब्यूटीन के लिए चार कार्बन का स्ट्रेट चेन नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट चेन ये लीजिए ये हो गया क्या हम इसका आइसो ब्यूटेन देखें तो ये पहला नंबर हो गया ये दूसरा देखो जरा सा हमें हमें एक्चुअली में हमें एक्चुअली में क्या करना है आइसो ब्यूटेन बना के हमें आइसो ब्यूटाइल बनाना है ये हमारा टारगेट है तो आइसो अल्काइल बनाने के लिए यहां से ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आइसो ब्यूटाइल बनाना है चलो तो अब आइसो ब्यूटेन बनाए बेटे आई बेटे बात समझ में आ रही होगी आप सबको तो क्या करो बेटा ये चार है तो तीन कर दो सबसे पहले और एक के यहां पर ऐसे लगा दो समझ में आ गया कि नहीं आ गया so, सो आइसो ब्यूटेन बन गया जैसे आइसो ब्यूटेन बनाओगे आप क्या करोगे उसका जो भी ब्रांचिंग है जो भी ब्रांचिंग है बेटा है ना अपोजिट टू ब्रांच अपोजिट टू ब्रांच, अपो ब्रांच तो बेटा ये दोनों सेम है अपोजिट अब यहां पे हाइड्रोजन होंगे चाहो तो इसका वैलेंसी पूरा करो ऐसे करो देखो सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री

हमें बताना है आइसो आइसो ऑक्टाइल नहीं आइसो हेप्टाइल बनाना है सपोज हमें आइसो हेप्टाइल अब जरा सिस्टम फॉलो करना बेटा बात को एकदम तगड़े से समझो बेटा एकदम मस्त तरीके से तो क्या हम सबसे पहले इसका नॉर्मल हेक्जेन बनाएं चलिए नॉर्मल हेक्जेन बना लेते हैं नॉर्मल हेक्जेन के लिए बेटा कितने कार्बन चाहिए हमको बताओ चार सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री फाइव सिक्स हो गया ना देखो सो एन इक्स टू सिक्स हो गया अब एन माइनस वन कर दो एन माइनस वन किया तो बेटा सिक्स माइनस वन फाइव आ गया पांच कार्बन का बनाओ तो अब इसका मतलब हमें दूसरा जो बनाना है वो क्या बनाना है आइसो हेक्जेन ये आपका स्ट्रक्चरल आइजोम में भी बहुत कम आएगा बेटे ध्यान रखना बहुत मतलब ये सोचो कि आपका तगड़ा जबरदस्त एकदम बनता चला जा रहा है खतरनाक तरीके से तो आइजो एक्त अगर हम कर लें तो आईजो एक्जेन की बात अगर हम करें थोड़ा तो देखो पांच का बना लिया देखो तीन दो पांच और सेकेंड नंबर पर कार्बन लगा दिया चौदह अब इसका बताओ इसका अपोजिट कौन सा वाला है जो लंबा वाला होगा जैसे यहां पर एक और यहां पर तीन तो अपोजिट कौन सा लंबा वाला है ना जैसे कि इस वाले में क्या था ना बेटा बराबर थे दोनों तो एक ही तरह तरफ इधर से निकलते चाहे इधर से निकलते चाहे इधर से निकलते कहीं से भी एक, एक ही जैसा होता है बट इसमें अपोजिट टू दिस अपोजिट दिस, दिस मतलब जहां पर लंबे वाले चैन होंगे ये वाला ठीक है यहां पर एक कार्बन के यहां तीन कार्बन तो अपोजिट दिस अपोजिट दिस ब्रांच का मतलब लंबा वाला तो यहां से हाइड्रोजन निकालना है तो अगर आप यहां से हाइड्रोजन निकाल दोगे तो इसका जो आइसो एक्जाइल बनेगा मतलब इसको देखो मैं बना के दिखा रहा हूं आप ऐसे लिख लो इसका चाहो तो स्ट्रक्चर बना लो इसको ऐसे सी एच सी सी एच से वैलेंसी पूरा कर लोगे ना बेटे CH2, CH2 और ये देखो CH3. एस थ्री एक दो तीन चार पाँच छः हो गया अब इसमें से क्या करोगे कहां से ना कहाँ से निकालना पता है बेटा आपको ये यह देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो आपका आइसोहेक्जाइल बन जाएगा है ना स्ट्रक्चर पूरा करके देख लो तो CH3, CH2, थ्री सॉरी CH, सी और ये तो आपका सी है और ये आपका सी फिर एक सी एस टू और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे है यह ना यहाँ से क्या करना था बेटा तो आपको एक हाइड्रोजन निकालना था तो यहाँ से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दोगे जैसे यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन निकाला ऐसे एक हाइड्रोजन निकाल दिया आपने यहाँ से या यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया कहाँ से अपोजिट टू ब्रांच सबसे लास्ट वाले से निकालना है तो देखो सी एस टू और ये आपका एक ये सी एस टू और ये जो ग्रुप है आपका दिस ग्रुप देख दिस ग्रुप विल बी इसको ऐसे बोल दो या फिर ऐसे बोल दो तो मुझे लगता है कि आपको तो मेरा बताओ आइसो अल्केन अलके, समझ में आता है बिल्कुल समझ में आता है नॉर्मल अल्काइल समझ में आता है बिल्कुल समझ में आता है नॉर्मल अल्केन स्ट्रेट होगा नॉर्मल अल्काइल स्ट्रेट होगा यह बात समझ में आती है फिर आइसो अल्केन समझ में आता है बिल्कुल समझ में आता है कैसे बनाना है तो जो भी आपका नॉर्मल अल्केन है है ना उसमें जितने भी कार्बन है उससे एक काम कार्बन कम करके एक स्ट्रेट चैन बना लो और सेकेंड नंबर पर कार्बन लगा दो आइसो अल्केन बन जाएगा अब आइसो अल्केन से आइसो अल्काइल कैसे बनाओगे तो आप क्या करो आइसो अल्केन बनाया आपने सबसे पहले नॉर्मल अल्केन नॉर्मल अल्केन से क्या बनाया बेटा आपने आइसो अल्केन बनाया आइसो अल्केन में से फिर जो ब्रांचिंग जहां पे आपने कार्बन लगाया है एक कम करके उसके अपोजिट जो लंबा वाला चैन है लास्ट से आप हाइड्रोजन निकाल दो दैट विल बी आइसो अलकाइल खत्म बात चलिए तो यहां तक बात समझ में आती है चलिए अब आपको हम दिखाते हैं देखिए नॉर्मल तो बता ही दिया था ये हो गया आपका अब आगे देखो नेक्स्ट ये वाला देखो ये देखिए आइसो अलकाइल देखिए कैसे हाइड्रोजन मस्ट बी रिमूव्ड देखो सब चीज लिखा आपको कुछ नहीं लिखना बस बढ़िया तरीके से बस समझते चले जाओ हाइड्रोजन मस्ट बी रिमूट फ्रॉम आइसो अल्केन कहां से निकलना बेटा आइसो अल्केन से निकलना है एंड फ्रॉम द लास्ट कार्बन अपोजिट टू ब्रांच जो ब्रांच है उसके अपोजिट लास्ट कार्बन जो लंबा वाला है ऐसे है ना अपोजिट टू ब्रांच आइसो पेंटेन हो जाएगा मतलब आपने इधर इधर कार्बन लगाया तो उसके लास्ट में इधर से हटाना जैसे देखो ये बेटा क्या है आइसो पेंटेन है देखो एक दो तीन चार पांच दिस इज आइसो पेंटेन बात समझ रहे बेटा तो अगर आपका इसका अपोजिट ब्रांच ये वाला है ना देखो एक दो तीन चार पांच तो ये आइसो पेंटाइल होगा क्या होगा बेटा दिस विल बी आइसो पेंटाइल करेक्ट क्लियर यहां से निकाल दिया जैसे बताओ बेटा ये है देखो एक दो तीन चार पांच है ना तीन तीन छह अब अगर यहां से लास्ट वाला अपोजिट ब्रांच ये यहां से निकाल दोगे तो ये आइसो हेक्जाइल हो जाएगा ता आई होप कि बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी समझा लिया मैंने कि आइसोएक्जाइल क्या होता है है ना या आइसोएल्काइल क्या होता है ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई चलिए अब आपको समझाते नियो आइजो हो गया नॉन दिस द नेक्स्ट विल बी नियो अब बात करते हैं बेटा नियो अल्केन की मजा आ रही है देखो आइसो एकदम क्लियर ना बेटा हंड्रेड अब नियो की बात करते हैं सेकेंडरी टर्सरी वो सब समझाएंगे फिर नेमिंग करेंगे मतलब मजे करेंगे एकदम अब न्यू अल्केन की बात अगर हम लोग करें बेटे तो न्यू न्यूअल का बहुत सिंपल सा तरीका बेटा, पता है क्या? यहां से भी हम सबसे पहला स्ट्रेट चैन वाला जो होगा उसकी बात करेंगे होगा. Let, इसका N है. तो अगर हमें क्या बनाना है बेटा न्यू है तो हम क्या करेंगे एन माइनस टू करेंगे एंड वन कार्बन एंड एंड ऐड वन कार्बन एट सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन सेम जैसे आप वहां पर कर रहे थे समझाता हूं एग्जांपल से चलो देखो कैसे सबसे पहले अच्छी अच्छी बताओ बेटा के लिए एल्केन के लिए मिनिमम कितने आपको कार्बन चाहिए होंगे मान लो अगर हम दो की बात करें तो इसका ये एन एक कोशुट टू है तो अगर आप इसका न्यू बनाना चाहते हो तो, तो बताओ बेटा आप क्या करोगे एन माइनस टू करोगे तो टू माइनस टू तो ये जीरो हो गया बन ही नहीं पाएगा बात समझ रहे हो ना समझो जरा ये भी तो समझो कि कितने चाहिए कार्बन अगर हम दूसरी बात करें बेटे मान लो तीन है तो एन एक्सुड थ्री है बेटे अब इसका हमें बनाना है तो एन माइनस थ्री एन माइनस टू तो ये थ्री माइनस वन अब बेटा वन कार्बन का कोई चैन बनता है क्या बात समझ रहे हो है ना तो वन कार्बन और उसके बाद फिर क्या बताया था कि वन कार्बन तो आपको क्या करना सेकेंड नंबर के कार्बन पे लगाना है तो भैया इसमें तो एक ही कार्बन का चैन देखो ना थ्री माइनस टू थ्री माइनस टू किया ना तो वन आया ना बेटे एन माइनस टू करना था ना देखो समझो बात को तो थ्री माइनस टू किया वन अब एक कार्बन का ही चैन बना अब आप क्या कह रहे हो कि सेकेंड नंबर पर कार्बन लगाना है एड है ना एड यहां पर सॉरी बेटा एड वन कार्बन एड टू कार्बन एट एड टू कार्बन दो कार्बन लगाने हैं है ना सेपरेटली रुको एक्स एड टू कार्बन सेपरेटली समझाता हूं एट सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ कार्बन दो कार्बन चाहिए ठीक है चलिए इसका मतलब क्या ये पॉसिबिलिटी है बेटा अरे भाई <laughs> कैसे अगर आप सेकेंड नंबर के कार्बन पे लगाना था तो सेकेंड नंबर का ये तो एक ही कार्बन है नॉट पॉसिबल चलो तीसरी बात करें अगर हम चलो भाई हम चार नंबर का ले लेते हैं तो एन एक टू फोर है अब ये फोर माइनस टू देखो समझो तो बेटा बात को यहां पर टू आ गया चलो दो कार्बन तो बन गए दो कार्बन तो बन गए ये वन हो गया और ये टू हो गया अब ये क्या कह रहे हैं बेटा कि आपको आपको देखो ना एन एस टू ये था नॉर्मल था अब सेकेंड नंबर पर सेकेंड नंबर का तो सेकेंड नंबर का ये है इस पर दो कार्बन लगा देने तो एक कार्बन इधर लगा दिया और एक कार्बन इधर लगा दिया एक कार्बन इधर लगा दिया और एक कार्बन इधर लगा दिया तो ये जो कंपाउंड बन रहा है ये वाला कंपाउंड इस कंपाउंड पे अगर आप ध्यान से देखें बेटे है ना तो ये जो कंपाउंड आपका आया ये आपका है ना नियो नहीं बनेगा बेटे एक्चुअली हमें पता है बेटा ये ये जो अल्केन होगा आपका ये कुछ इसको आप ऐसे समझो चाहो तो आप इसको ऐसे लिख के ऐसे लिख सकते हो ये आपका हो गया देखो है ना तो ये जो आपका है नहीं लग रहा ये ये आपका क्या बन गया बताओ क्या ये नियो बना नहीं याद करो ये आपका आइसो प्रोफाइल बन गया आइसो ब्यूटाइल बन गया नहीं बन गया आइसो ब्यूटाइल चेक तो करो बेटे ध्यान से भाई इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते देखो बेटा ये ऐसे लिखा है One, two, three, और एक कार्बन इधर लगा लो ऐसे या जैसे भी तो देखो ये लिखो चाहे ऐसे ऐसे लिखो एक ही बात है ना इसको सीधे भी तो लिख सकते वन टू थ्री आईसो बीटाइल बना के दिखाएं जरा देखो चार कार्बन थे उसमें से एक कार्बन कम कर दिया और सेकेंड नंबर पर कार्बन लगा दिया देखो क्या है इज आइसोब्यूटाइल ना तो बेटा ये आइसोब्यूटाइल बन गया तो चार थे दो कम किया दो बचे तो दो कार्बन लिया और जो सेकंड नंबर का कार्बन था उस पर दो कार्बन लगाए तो बेटा नियो नहीं बना क्या बन गया वो आइसो बन गया सो दिस इज ब्यूटाइल इसका मतलब बेटा क्या है एन इक्व टू वन के लिए नियो पेंटाइल नहीं बन सकता एनिकोस टू टू के लिए नहीं बन सकता एन इक्व थ्री के लिए नहीं बन सकता एन इक्व टू फोर के लिए नहीं बन सकता इसका मतलब नियो की स्टार्टिंग कहां से होगी अरे भाई साहब बेटा मजा आ रही कि नहीं आ रही है कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है कि भैया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये चीज समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यानी कि आप ये कह सकते हो कि जब अगर अगर आप न्यू अल्केन की बात कर रहे हो अगर आप न्यू अल्केन की बात कर रहे हो तो न्यू अल्केन की स्टार्टिंग ही कहां से होने वाली है न्यू अल्केन ऑलवेज स्टार्ट विथ ऑलवेज स्टार्ट विथ मिनिमम फाइव कार्बन मिनिमम फाइव कार्बन तो ये पांच कार्बन से शुरू होगा चलिए भाई पांच कार्बन से तो पहले पेंटेन का एक बात कर लेते हैं है ना पेंटेन की बात चलो पहले एक काम करते हैं हम लोग बनाते हैं न्यू ऑक्टेन न्यू ऑक्टेन बनाते हैं एक बना के दिखाते हैं फिर आपको डायरेक्ट दिखाएंगे चलिए न्यू ऑक्टेन एक दो तीन चार फाइव सिक्स सेवन एट हो गया देखो वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट क्या करें एन इक्व टू एट है क्या बेटा हम यहां से एन माइनस टू की बात करें क्या एट माइनस टू की बात करें क्या तो क्या एट माइनस टू यानी सिक्स हो गया तो चलो भाई छह कार्बन की बात करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक सेकेंड नंबर पे दो कार्बन इंडिविजुअली ऐसे लगाने हैं ये देखिए नाउ दिस बिकम्स नियो है ना तो ये आपका था ये पहला ये जो था आपका नॉर्मल ऑक्टेन था ये जो आपका पहला था वो क्या था बेटा नॉर्मल ऑक्टेन था और ये 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 आपका क्या बन गया नियो नियो ऑक्टेन ऑक्टेन देखिए ये स्ट्रेट चेन था ये था नॉर्मल दिस इज समझ रहे हो ना बेटा कैसे अपोजिट तो अब देखो ना बेटा सेकेंड नंबर पे आपने क्या किया दो कार्बन तो आइजोम एक कार्बन लगा रहे थे भाई यहां पर जितना माइनस कर रहे हो ना उतने कार्बन लगाने भाई दो माइनस किया दो कार्बन सेकेंड नंबर पे लगा दो वहां पे आपने एन माइनस वन किया था तो सेकेंड नंबर पे आप

कार्बन सेपरेटली एट से कार्बन चलो नॉर्मल पेंटेन है पांच कार्बन का था अब इसमें से दो कम करो तीन तो बेटा देखो ये तीन कार्बन का ये आ गया तीन कार्बन का अब इसके सेकेंड नंबर पे देखो ये सेकंड नंबर पे दो कार्बन लगा दिए बन गया न्यू पेंटेन चलिए अगर हम बात करें न्यू हेजेन की बेटे न्यू हेजेन की बात करें तो न्यूहेक्न कैसे बनाना है देखो छह कार्बन वन तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब इसमें से दो कम कर दिया चार अब ये चार का स्टेट बनाया आपने आपने चार का स्टेट बनाया और उसमें बताओ सेकेंड नंबर पर दो कार्बन लगा दिए दैट विल बी नियो हेक्सेन अब बताओ बेटे क्या आपको आइजो नियो ये सब कहानी समझ में आ रही है क्या क्या ये सब कहानी समझ में आ रही है क्या अरे बोलो ना बेटे चलो आगे बात करते हैं दिस इज नॉर्मल हेप्टेन साथ है साथ में दो कम किया पांच आया पांच आया पांच का चैन और सेकेंड नंबर पे दो कार्बन लगा दिया बन गया नियो हेप्टेन चलो नॉर्मल ऑक्टेन से न्यू अल्प्रेन बनाते हैं आठ है आठ में से दो कम किया छ का स्ट्रेट चेन बनाया और सेकेंड नंबर पर दो लगा दिए तो यह कहानी आपकी हो गई कुछ इस तरह से तो अब बताओ बेटा क्या आपको नियो नियो अल्केन भी समझ में आ गया क्या आइसो अल्केन समझ में आ गया क्या आइसो अल्काइल समझ में आ गया क्या नॉर्मल अल्केन समझ में आ गया क्या आ गया ना भाई अरे बोलो ना भाई कुछ तो बोलो बेटे कहानी एकदम क्लियर है ना मस्त मस्त जबरदस्त तरीके से तो आपको आइसो नियो अब नियो अल्केन तो आ गया बेटे अब इसके बाद रुको 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 क्या करते हैं जनाब न्यू अल्केन तो आ गया अब बेटा क्या न्यू अल्काइल भी समझना होगा यस बिल्कुल समझना होगा सो so वॉट विल अबाउट न्यू अल्काइल तो मुझे नहीं लगता कि न्यू अल्काइल में कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको सीक्वेंस बेटा क्या न्यू अल्काइल बनाने का क्या होना चाहिए कि भैया पहले नॉर्मल पेन नॉर्मल अल्केन बना लो ये सब आपको बेटा पता है इन सब सिक्स में लगना चाहिए तो मैं सिक्वेंस बता रहा हूँ नॉर्मल अल्केन बना लो नॉर्मल अल्केन के बाद फिर आप न्यू अल्केन बनाओ और अल्केन के बाद अब बेटा बताओ नियो अल्काइल बना लो अच्छा अल्काइल बनाने के लिए हाइड्रोजन कहां से निकलोगे रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम लास्ट कार्बन ऑफ नियो अल्केन और अपोजिट टू ब्रांच लंबा वाला जो होगा अपोजिट टू ब्रांच जो लंबा वाला होगा समझ लो चलो देखो शुरू करते हैं कहानी कार्यक्रम शुरू किया जाए चलिए तो क्या हम सबसे पहले बेटे बनाते हैं न्यू न्यू हेक्चाइल बनाया जाए न्यू हेक्चाइल या न्यू हेप्टाइल बनाते हैं न्यू हेप्टाइल न्यू हेप्टाइल बनाने का मूड है मेरा मेरा मूड है न्यू हेप्टाइल बनाने का बना सकते हो क्या बेटे न्यू हेप्टाइल बना सकते हैं क्या बेटे आप न्यू हेप्टाइल तो सबसे पहले नॉर्मल एल्केन सात सात कार्बन का एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये लीजिए सेवन दो कम कर दो तो दो कम किया चार एक दो तो, तीन दो कम किया ना सात है ना दो कम करो तो पांच आएगा ना क्या करते हैं जना यहाँ से एन कितना है सेवन तो यहाँ से अगर आपने आ, क्या किया यहाँ पर आप सेवन माइनस टू करेंगे तो सेवन माइनस टू करेंगे तो कितना आ जाएगा फाइव का चैन आएगा देखो वन टू थ्री फोर फाइव इसके बाद क्या करोगे सेकेंड नंबर पर दो दो तो करवा अब बेटा बताओ ये आपका क्या था नॉर्मल ये आपका है एन हेप्टेन दिस इज न्यो हेपटेन बताओ ना भाई बच्चे की जान लेंगे क्या अब बनाना है न्यो हेप्टाइल तो भैया न्यो हेप्टाइल में क्या करो अपोजिट टू ब्रांच जाओ लंबी वाली अपोजिट टू ब्रांच है लंबी वाली यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो देखो से, यहां से ये सी सी दो तीन है यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाए बेटे तो क्या हो गया देखो सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री ये आपका न्यू हेप्टेन है और इसका बनाओगे अगर स्ट्रक्चर बेटे तो क्या बनेगा बताओ सी एस थ्री सी आई होप बेटा आप बहुत इंजॉय कर रहे होगे आपको मस्त तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी सी एस टू सी एस टू और चूंकि यहां पर सीएस थ्री था समझो ना यहां से एक हाइड्रोजन निकाल देना है यहां से एक हाइड्रोजन निकाल देना है तो ये लास्ट वाले से निकालना है यहां से निकालना है यहां से निकालना है, है. अपोजिट टू ब्रांच अब तो समझ गए होगे ना तो यहां पर सीएस थ्री से क्या सी एस टू बन जाएगा और ये वाला बैलेंस फ्री होगा जो कि कहीं पर लग जाएगा जहाँ पे भी, भी लगना होगा वहाँ पे अटैच हो जाएगा ये न्यू हेप्टाइल चलो न्यू हफ्टाइल भी समझ में आता है अब बेटा एक और कर लो और उसके बाद फिर आगे बात कर लिया जाए आगे बात को समझते हैं तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें समझ जाओगे तो बेटा फिर हम लोग सेकेंडरी टर्सरी वाली बात भी कर लेंगे कि भैया सेकेंडरी क्या होता है टर्सरी क्या होता है वो सारी चीज़ें भी तो हमें समझनी होंगी ना बेटे क्या नहीं समझनी होंगी क्या बताओ बेटा तो हमें सेकेंडरी टर्सरी भी समझना होगा कि सेकेंडरी क्या होता है टर्सरी क्या होता है फिर उनके कुछ एग्जाम्पल्स हमें समझने होंगे तो वो सारी बातें हम करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से है ना तो इस तरह से बेटा आप बढ़िया तरीके से देखते चले जाएं चलिए देखिए तक हमारे क्लियर हो जाती है अब देखो आगे अगर मैं आपसे बोलूं कि हमको नियो अब बोलो अब बोलो क्या बोलना चाहते हो नियो 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 बताओ नियो डेकाइल ठीक है चलिए बनाइए दस कार्बन का एक दो तो, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस देख लो दस हुआ कि नहीं हमने तो बस ऐसे ही मस्ती में कर दिया देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हो गया दो कम कर दो तो एट का बना लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन अपोजिट टू ब्रांच यहाँ से एक निकाल दो तो सी बेटा एक लाइन में नहीं बन जाएगा बेटे आप एक दो तो, तीन चार पाँच छः सात आठ दस यहां से निकाल दो ये फ्री हो जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो है ना यहां पर सीएच टू आ जाएगा तो दिस विल बी आपका ये क्या था आपका नॉर्मल डेकेन डेकेन दिस इज नियो डेकेन बोलो ना बेटे एंड दिस इज योर आई सोटे कैन सॉरी अब मुझे लगता है कि आपको ये सारी कहानी क्लियर होगी होगी बेटे आप देख लो और बताओ मुझे कि बेटा क्या ये कहानी एकदम क्लियर है कि भैया क्या है प्राइम मतलब क्या है आइजो क्या है नियो है ना इस तरह से बेटा आप आइजो नियो ये सारी की सारी बातें आप बहुत मस्त और जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं तो ये आपके सामने था बेटा चलो अब थोड़ा सा और बात करें बेटा हम लोग सेकेंडरी और ट्री की बात करते हैं है ना न्यू अल्काइल देख लो जरा से यहाँ पर है ना फॉर न्यू अल्काइल हाइड्रोजन मस्ट बी रिमोट फ्रॉम न्यू अल्केन है ना फ्रॉम द लास्ट कार्बन अपोजिटिव ब्रांच अपोजिटिव टू ब्रांच यहाँ से निकाल दिया ये हो जाएगा ये आपके सामने आ जाएगा ठीक है अब हम थोड़ा सा इसके बाद जो बात करेंगे ना बेटे इसके बाद हम जो बात करेंगे ना अब अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा आप उसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं जरा ये देखना थोड़ा सा बेटा अब हम लोग है ना सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्किन या अल्कि अल्काइल्स की बात करते हैं सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल, अल्काइल की बात करते हैं अब इस बात को समझना बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है सेकेंडरी ऑर्डर से अल्काइल है और इस, इसके बेसिस पे हम अच्छा देखो तो ये जो सारी चीजें समझाई ना बेटा इसके बेसिस पे भी आपको हम प्रैक्टिस भी कराएंगे ठीक है कैसे कैसे क्या होगा सेकेंडरी जैसे कि देखो बेटा हम बात करें अगर पहला सेकेंडरी को बेटा फॉर्म इस एस ई को टी आर या टी लिख देते हैं सीधे सीधे टी ऐसे और टर्सरी ऐसे लिख देते हैं सेकेंडरी आपका ऐसे लिखा जाता है ठीक है जरा देखो पहले हम सेकेंडरी समझाएंगे आपको पहले हम आपको क्या समझाना चाहते हैं बेटा सेकेंडरी समझाना चाहते हैं देखो कैसे <coughs> अब सेकेंडरी और टर्सरी भी समझो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि कॉमन नेम बहुत जो और इनका कॉम्बिनेशन देखते हैं इनके कॉम्बिनेशन में एंजॉय करते हैं फिर आगे की बात हम लोग करते हैं ठीक है चलिए तो अब सेकेंडरी के लिए अगर हम बात करें बेटा जैसे हमने कहा कि हमारे पास बेटा है सपोज नॉर्मल प्रोपेन नॉर्मल प्रोपेन चलो लिखते हैं ध्यान दीजिएगा अच्छा सेकेंडरी का मतलब बेटा टू डिग्री कार्बन होना चाहिए और टेस्टरी का मतलब बेटा थ्री डिग्री कार्बन होना चाहिए अब बताओ आइजोनियो में कोई दिक्कत नहीं ना बेटे अब सेकेंडरी टेस्ट से भी समझो फिर इनका कॉम्बिनेशन दिखाते हैं हम आपको ये अब जैसे अब सेकेंडरी की बात करें सेकेंडरी तो एन प्रोपाइट ये आपका था एन प्रोपाइल नहीं अब हम इसको अगर हम बात करें कि भाई सेकेंडरी प्रोपाइल क्या हो गया इसका सेकेंडरी प्रोपाइल तो बताओ कौन सा डिग्री का कार्बन जैसे ये आपका वन डिग्री है ये वन डिग्री ये टू डिग्री अगर हम टू डिग्री से हाइड्रोजन निकाल दें तभी तो ये बनेगा ना सेकेंडरी प्रोफाइल तो अगर आप यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे सो दैट विल बी आपका सेकेंडरी प्रोफाइल प्रोफाइल हो जाएगा, जाएगा. बात समझ लो है ना तो मतलब अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो देखो सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री यही तो बेटा टू डिग्री है ना तो अगर आप यहां से निकाल दोगे तो सी एस थ्री सी एच और यहां से भाई टू डिग्री से ही निकालोगे तभी तो एक हाइड्रोजन देखो सी एस टू था एक हाइड्रोजन तो दिस इज योर सेकेंडरी प्रोफाइल अब इसी पर बेस्ड अगर हम एक एग्जाम्पल लिख दें जैसे कि हम आपको यहां पर ये यह लिख दें हमने जैसे हमने कहा कि हम लिखना है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल लिखना है तो आप बेटा क्या करोगे पहले तो सेकेंडरी प्रोपाइल पता होना चाहिए तो आपको पता है ये देखिए और यहां पर जो खाली यहां पर अल्कोहल सो दिस इज सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल अच्छा एक चीज सोचो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ भाई आइसोप्रोपाइल क्या होगा जरा ध्यान देना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखना है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जरा देखना है यहाँ पर कहानी गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो जरा समझिएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखना तो सबसे पहले तो आप बेटा प्रोपेन बनाओ प्रोपेन बनाया आपने फिर आपने क्या किया इसका एनिकोसू सूत्री था एक कम कर दिया तो यहाँ पर टू आ गया दो कार्बन का चैन बनाया उसके बाद फिर सेकेंड नंबर पर एक कार्बन लगा दिया है ना ये ऐसे करके सेकेंड नंबर पर आपने क्या कर दिया एक कार्बन लगा दिया अब बेटा बताओ अपोजिट टू ब्रांच बोलते थे ना हम लोग अपोजिट टू ब्रांच बोलते थे अपोजिट टू ब्रांच बेटा अगर आप इधर वाली ब्रांच की बात कर लोगे करके देखो पॉसिबिलिटी देखो जब कभी भी ऑर्गेनिक में आपको लगे ना कि कुछ लोचा हो सकता है तो देखो लंबी वाली तो लंबी वाली आपको ये दिख रही है ना ब्रांच इधर उल्टी साइड पर दिख रही है तो जब कभी भी आपको कभी भी ये लगे कि ऐसा हो सकता है क्या तो जरा समझना कुछ तो आप यहाँ से निकालोगे अगर जरा देखना सी 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 देखो यहां से निकालोगे यहां से निकालोगे और इसका जो अल्कोहल बनाओगे तो क्या बन जाएगा ओ एच सी 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 बेटा ये तो ऐसा हो गया जरा देखो ध्यान से ये क्या हो गया और ये क्या से क्या हो गया ये तो सिंपल नॉर्मल हो गया तो सिंधे तो प्रोपाइल अल्कोहल हो गया सिंपल ये तो ऐसा हुआ ही नहीं क्योंकि स्ट्रेट तो चेन हो गया भाई ये वन टू थ्री देखो ना ऐसे ये थ्री इसको ऐसे लिखो ऐसे लिखो एक ही बात है ना बेटा ये तो प्रोफाइल हो गया दिस इज नॉट आइस ओ प्रोफाइल सो इज नॉट आइस प्रोफाइल ये तो आईसो प्रोफाइल बना ही नहीं है बेटे यहाँ से अब अब आप अब यहां से निकालो या यहां से निकालो एक ही बात है बेटा देखो ऊपर भी सी इधर भाई बीच में अगर ए सी है तो इधर भी एक सी इधर भी एक सी एक ही बात है तो अगर हम यहां से निकाल के देखें तो क्या होता तो देखो इसके इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा थोड़ा सा कि नॉर्मल तो नहीं बन जा रहा है तो दिस इज नॉर्मल प्रोफाइल प्रोफाइल दिस इज नॉर्मल प्रोफाइल प्रो अल्कोहल अब अगर, अगर आप यहां से निकालते हैं अगर यहां से इस वाले पॉइंट से यहां से निकालते और इसका अल्कोहल बनाते तो सी सी और यहां पर ये यह OH एच आता इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना बेटा OH एच देखो देखो ये वन है ये टू है और ये थ्री है इसको हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या जरा देखना बात को समझो वन टू थ्री ये वन कार्बन ये टू कार्बन थ्री कार्बन देखो ये देखो थ्री कार्बन और सेकेंड नंबर पर देखो ओ एच लगा ये ये बन गया क्या आपको नहीं लग रहा बेटा यही आपका सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है यही आपका ये यह बन गया देखो अगर आप इसको बनाओगे इसका स्ट्रक्चर अरे मजा आ रही कि नहीं मजा आ रही है अरे मजा आ रही कि नहीं आ रही है जरा देखो ध्यान से बेटा तो ये जो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है और ये देखो और यही आपका क्या है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी यही है बेटे आइसो अल्कोहल तो इसको आप आइसो अल्कोहल और सेकेंड्री प्रोपाइल अल्कोहल दोनों सेम चीज यहाँ पर आ जा रही है बहुत सिमिलर दिस इज आइसो एंड सेकेंड्री कुछ इस तरह से बात समझ रहे चलो और एग्जाम्पल दिखाएं आपको और एग्जाम्पल दिखाएं रुको वेट करो देखो जरा मज़े करो मज़े करो जरा देखो और एग्जाम्पल्स हम आपको दिखाते हैं बेटे जरा, जरा देखो जैसे कि हम आपसे बोलें कि भैया हमारे पास नॉर्मल uh, पेंटेन है नॉर्मल पेंटेन है नॉर्मल पेंटेन है तो अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो कंफर्म हम टू डिग्री कार्बन की ही बात करेंगे जहां से भी अटैचमेंट होगा वो टू डिग्री से ही होगा आप चेक कर सकते हो देखो जरा जब हमने इसकी बात की तो जहां पर ओएच OH लगा इसमें देखो जहां पर भी ओएच लगा अरे बताओ ये टू डिग्री था कि नहीं टू डिग्री था तो जहां पर भी ग्रुप तो लगेगा वो टू डिग्री होगा हमेशा वहां से अटैच होगा अब सेकेंडरी टू डिग्री कार्बन तो पहले नॉर्मल पेंटेन बना लेते हैं एक दो तीन चार पाँच अब ना इसके देखो क्या पॉसिबिलिटी सेकेंडरी की पॉसिबिलिटी देखो क्या हो सकती है अब देखो अब इसको बोले वन टू तो, थ्री फोर फाइव है ना अब ये वाला टू डिग्री है ये वाला टू डिग्री और ये वाला टू डिग्री देखो ये टू डिग्री और ये टू डिग्री सेम है कि नहीं बेटा देखो अगर इधर से करते तो वन टू होता तो ये टू डिग्री सेम है ये टू डिग्री सेम बस ये अलग है तो क्या इसकी दो पॉसिबिलिटी बन सकती है टू डिग्री की क्या देखो एक देखो जरा सर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव इसका वन टू थ्री फोर फाइव देखो अगर आप इधर से भी नंबरिंग करते तो इसको भी टू नंबर मिलता इधर से करते इसको भी टू मिलता तो बेटा देखो ये दोनों सिमेट्रिकल है कि नहीं देखो बीच में एक है इधर भी दो इधर भी दो तो चाहे आप इस फोर्थ नंबर की बात करो चाहे सेकंड नंबर की बात करो एक ही बात हो जाती तो अगर आप यहाँ से एक निकाल दो तो देखो टू डिग्री वाला काम बन गया सेकेंडरी और अगर आप यहाँ से निकाल दो सॉरी यहाँ से निकालोगे तब भी वही बात हो जाएगी यहाँ से निकालोगे तो आपको डिफरेंट मिलेगा ये कुछ इस तरह से अब अगर इनका आप अल्कोहल बनाओगे तो क्या बनेगा जरा देखो ध्यान से तो सी CH, थ्री सी एच सी एच टू सी एच टू सी थ्री और बेटा यहां पर आ गया दिस इज सेकेंडरी वन टू थ्री फोर फाइव सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल पेंटाइल अल्कोहल नहीं है क्या बेटे बताओ अब यहां पर अगर आपने ओ OH एच लगा दिया तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव ये भी आपका क्या है सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल पर इनका अलग होगा सेकेंडरी तो टर्म जो है ना वो तभी तक है जब आप एक ही डिग्री मतलब सेकेंडरी जैसे टू डिग्री एक ओच लगाए अब ऐसे नहीं कि आप यहां भी लगा दो, और यहां भी ओच लगा दो और उसको सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल बोल दो नहीं सेकेंडरी और टर्सरी टर्म इज यूज ओनली वेन ओनली वेन ओनली वन ओनली वन सेकेंडरी और टर्सरी फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट है ना तभी हम उसको तभी हम उसको सेकेंडरी और ट्री लिख सकते हैं टसरी फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हैं टसरी फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हैं समझाता हूँ कैसे जरा देखो जैसे हमने कहा इसी की बात कर लें इसमें दो थे अगर हम आपसे ये बोलते हैं बेटा ये जो एग्जाम्पल था एक दो तो तीन चार एक दो तो तीन चार पाँच एक यहाँ पे ओच लगा देते हैं एक यहाँ पे वो लगाते अब बोलोगे सर ये भी टू डिग्री ये भी टू डिग्री है तो इसको हम बोल सकते हैं क्या सेकेंडरी है ना पेंटाइल अल्कोहल नो ये सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल तभी बोला जा सकता था जिसमें एक ही सेकेंडरी

आपने एक ओ एच यहां पर लगा दिया और हमने एक ओएच यहां पर लगा दिया बेटा बताओ ये भी टू डिग्री यह भी टू डिग्री क्या इसको हम सेकेंडरी लिख सकते हैं सेकेंडरी कितने कार्बन एक दो तीन चार पांच छह सात आठ क्या हम इसको सेकेंडरी ऑक्टाइल अल्कोहल लिख सकते हैं क्या तो हम बोलेंगे नहीं बिल्कुल नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर ऐसा है। हाँ अगर यहीं पर ऐसा होता कैसा होता जरा देखा ये होता तो देखो ये टू डिग्री है अब देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसको यस दिस कैन भी रिटर्न एज सेकेंडरी ऑक्टाइल अल्कोहल दिस कैन बी रिटर्न एज सेकेंडरी ऑक्टाइल अल्कोहल अब बात समझ रहे हो ना बेटा बहुत पते की चीजें अब धीरे धीरे लेवल एकदम बढ़ता चला जाएगा अब बात को समझते जाना दिस कैन बी रिटर्न एज सेकेंडरी ऑक्टाइल अल्कोहल तो ये तो सेकेंडरी की बात होगी बेटा तो अब टेस्री की बात कर लेते हैं <coughs> ट्सरी भी समझते हैं भैया टर्सरी अल्कोहल क्या होगा चलिए या टसरी क्या होते हैं टसरी उसके बाद इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे एक तो जिससे कि आपका एकदम क्लियरिटी मिल जाएगी ठीक है टेसरी टस्री का मतलब बेटा थ्री डिग्री कार्बन होना चाहिए है ना जैसे कि हमने कहा कि ये देखो एक दो तो, तीन चार इसमें टसरी हो सकता है नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये भी टू डिग्री है ये भी टू डिग्री है ये वन डिग्री ये वन डिग्री है अब हमने कहा कि ये कंपाउंड है क्या इसमें टर्सरी हो सकता है यस दिस कार्बन इज थ्री डिग्री तो अगर हम यहां से एक देखो इस अल्केन को ऐसे लिखें देखो सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री अभी कंपैरिजन कराएंगे सारी चीजें ध्यान रखना अभी सी एस थ्री सी एस थ्री पहले आप एक एक चीज समझो अगर हम यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दें यहां से तो सी 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 ये आपका टर्सरी अल्काइल बन जाएगा ये आपका टर्सरी अल्काइल बन जाएगा दिस विल बी योर टर्सरी अल्काइल तो आइसो अल्काइल क्या होता है टर्सरी अल्काइल क्या होता है सेकेंडरी अल्काइल क्या होता है जैसे कि यहाँ से जब हमने निकाला था ये ध्यान दो बेटे जब हम अगर यहाँ से निकालेंगे ना ऐसे करके यहाँ से हाइड्रोजन हमने निकाला था जब यहाँ से है ना तो इसका जो बना था वो आपका सेकेंडरी अल्काइल था ये भी सेकेंडरी अल्काइल था बात समझ रहे हो ऐसे ही ये वाला आपका कौन सा है टर्सरी अल्काइल होगा ठीक है यहाँ से या यह इसको ऐसे करके लिख सकते हो आप C एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री ये आपका टेस्टरी अल्काइल हो गया टेस्टरी अल्काइल का मतलब क्या वन टू थ्री फोर टेस्टरी ब्यूटाइल टेस्टरी क्या हो गया ब्यूटाइल है ना तो जैसे अगर हम आपसे बोलें कि टेस्टरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला लिखो तो आप क्या लिखोगे बेटा बताओ सी एस थ्री ये टसी भीटल ये हो गया हाँ अब इसमें भी वही बताया कि एक ही होना चाहिए अब जैसे कि हमने कहा कि भाई ये है ये लो एक यहाँ ऐसे लगा हुआ है और एक यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है और ये कुछ ऐसा आपने यहाँ भी ओच लगा दिया यहाँ भी ओच लगा दिया और एक यहाँ पे एक यहाँ पे अब बोलोगे भाई ये थ्री डिग्री कार्बन तो है ये थ्री डिग्री कार्बन तो है तो ये थ्री री अल्कोहल ये भी थ्री डिग्री अल्कोहल है तो क्या ये टसरी अल्को तो क्या इसके नाम में टसरी अल्कोहल लिखा जाएगा नहीं बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा इसको हम टस्सरी अल्कोहल नहीं लिख सकते हैं क्यों क्यों नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा तभी हम लिख पाएंगे एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा तब भी हम लिख पाएंगे अदरवाइज तो सेकेंडरी और टस्सरी में ध्यान रखना बेटा जैसे कि इसको हम लोग टस्सरी ब्यूटाइल एल को लिख सकते थे आराम से हमने लिख लिया चलिए अब कुछ कंपैरिजन किया जाए भाई आपको सेकेंडरी पता चल गया होगा आपको टर्स्टरी पता चल गया है ना नाउ चेक करते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा बेटा कुछ कंपेरिजन की बात करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स और देखा जाए तो आपको आनंद और आएगा चलिए देखिए यहाँ से आपकी एकदम क्लियरिटी आ जाएगी अच्छे से देखिए क्या क्लियरिटी आएगी देखना जरा ध्यान से बेटे हमने एक लिया ध्यान देना हमने एक लिया नॉर्मल पेंटेन ठीक है ध्यान देते जाना नॉर्मल पेंटेन पहला क्या हम बेटा इसका आइसो पेंटेन लिख सकते हैं आइसो पेंटेन देखिए कैसे आइसो भी लिखेंगे नियो भी लिखेंगे सब लिखेंगे और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं नॉर्मल हेगेन लेते हैं तो और मजा नॉर्मल तो क्या हम इसका आइसो हेजेन लिख सकते हैं क्या देखते जाना तो छह होते हैं तो पांच कर दे बेटे एक दो तो तीन चार पांच और ये आपका ये हो गया क्या बेटा इसका हम न्यू हेकजेन लिख सकते हैं क्या क्या हम इसका न्यो हेक्गजेन लिख सकते हैं क्या यस yes, बिल्कुल लिख सकते हैं कैसे छह था चार कर दो और एक ऊपर और एक नीचे क्या इसका आप न्यू हेक्जाइल लिख सकते हैं क्या क्या हम इसका आइसो हेक्जाइल लिख सकते हैं क्या समझ रहे हो बेटा बात तो नियो हेक्जेन है तो इसका अगर नियो हेक्जाइल बनाना है तो बेटा आपको बताओ इसके लास्ट वाले से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना होगा तो इसका जो नियो हेक्जाइल होगा मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा हेक्जाइल दैट विल बी एक दो तीन चार पाँच मुझे लगता है बेटा आप सब लोग बहुत बढ़िया से समझ रहे होगे ये देखिए नियो हेक्जाइल हो गया ठीक है क्या आप इसका नियो सॉरी आइसो हेक्जाइल आई एम वेरी सॉरी आई एम वेरी सॉरी आई एम सॉरी टू से सॉरी तो ये क्या है इसका अगर हम नियो हैक्जाइल लिखते हैं क्या लिखते हैं बेटा नियो हेक्जाइल तो क्या करोगे आप यहाँ से निकालोगे तो सी सी हाइड्रोजन आप यहाँ से निकालेंगे यहाँ से नियो हेक्जाइल बन जाएगा चलिए ठीक है ओके okay. अब अगर क्या हम इसी का बोलें कि भैया सेकेंडरी हेकजाइल क्या होगा सेकेंडरी हेकजाइल बना सकते हैं इसका कोई सेकेंडरी हेक्ल तो ये कितने कार्बन थे सेकेंडरी हेकजाइल का तो अगर सेकेंडरी हेकजाइल बनाना है तो जैसे कि आप देखो बेटा इसी को अगर हम ऐसे लिखते हैं सुना 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 बहुत बढ़िया चीज आ जाएगी सामने क्लियरली एकदम एक दो तीन चार पांच कई सारे बन सकते हैं एक दो तीन चार पांच और एक ये जब हमने यहां से निकाला देखो जब इसके हम दूर वाले से निकालेंगे बेटा तो आइजो बनता है बट अगर हमें यहां पर क्या बनाना है है ना चलो पहले बनाते हैं टसरी हमको साफ साफ नजर आ रहा है टसरी अगर हम यहां से निकाल दें एक हाइड्रोजन जरा देखना क्योंकि उसके लिए आपको थ्री डिग्री ही चाहिए टर्सरी के लिए एक दो तीन चार पांच तीन, एक दो तीन चार पांच और ये कार्बन है यहां से अगर आप निकाल दो so that will be अब बनाना है तो सेकेंडरी के लिए बेटा इनमें से कहीं से भी निकाल लो आप है ना? जैसे कि आपने सेकेंडरी हेक्जाइल बनाना है तो देखो ना नॉर्मल हेक्जाइल था एक दो तीन चार पांच छः यहां से निकालोगे तो सेकेंडरी बन जाएगा है ना या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती बेटे? है बेटे यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो एक ही बात है इन दोनों में से निकाल लो एक ही बात है है ना तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है एक दो तीन चार पाँच छः है, है ना यहाँ से निकालो यहाँ से निकाल लो तो इस तरह से आप यहाँ पर सेकेंडरी एक्जाइल ऐसे बना सकते हो दैट डिपेंड्स कि कैसे तो बेटा बताओ नियो आइजो टर्सरी सेकेंडरी सेकेंडरी के लिए टू डिग्री कार बनाना बहुत जरूरी है और आईजो नियो आप एकदम अलग से कॉन्सेप्ट समझे रहो कि क्या है ये देखो टू डिग्री इसके लिए आपको थ्री डिग्री होना बहुत ज़रूरी है जी आपके सामने है। चलिए तो ये सारे के सारे कंपैरिजन बेटे आपके सामने हैं आप इन सब चीज़ों का यूज़ करके मस्त मस्त काम कर सकते हो जबर जबरदस्त काम कर सकते हो बढ़िया बढ़िया चीजें आप एकदम क्लियरली सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो बोलो बेटे बात समझ में आती है क्या यहाँ तक ठीक है चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं ठीक है तो अब बेटा आगे बात करते हैं ये मैंने आपको समझाया अब मैं आपको दिखा देता हूँ देखे जरा ध्यान से है ना क्या क्या चीज़ें हैं जैसे कि देखो जब हम बात करें ना बेटे यहाँ पर सेकेंडरी देखो अल्काइल तो सेकेंडरी अलकाइल को हम लोगों ने क्या डिफाइन किया अब पढ़िए जरा ध्यान से देखिए है ना मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे है ना यहां पर हमने क्या बोला कि इन दिस अल्काइल ग्रुप है ना द कार्बन दैट इज कनेक्टेड टू फंक्शनल ग्रुप है ना जिस फंक्शनल ग्रुप से वो कनेक्टेड होगा दैट मस्ट बी टू डिग्री ये तो मैंने बताया आपको है ना और अगर उसका कॉमन नेम लिखना है तो इफ ओनली वन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट अगर कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी फंक्शन को प्रेजेंट है तब उसके नाम में हम सेकेंडरी लिख सकते हैं सेकेंडरी होगा बट उसके नाम में हम सेकेंडरी तभी लगा सकते हैं उसके कॉमन नेम में है ना अगर एक से ज़्यादा सेकेंडरी ग्रुप है तो हम उसके नाम में सेकेंडरी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे ये मैंने आपको अभी समझाया था तो मैंने लैंग्वेज में लिख दिया सिमिलरली यही चीज़ हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं बेटा तेसरी के लिए यूज़ करते हैं तो आई होप बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी ये एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिखाया था ऊपर में अगर आप चाहो तो देख सकते हो मैंने कहां सब कहीं पर तो बताया था मैंने आपको देखो जैसे कि देखो यहां पर दो बार आ गया ना सेकेंडरी सेकेंडरी तो यहां पर हम सेकेंडरी यूज नहीं कर सकते बट अगर फंक्शन ग्रुप एक ही बार आ रहा है लाइक जैसे यहां पर देखो एक बार आया सेकेंडरी देखो ये टू तो डिग्री वाला है सो तो दिस कैन बी रिटन है सेकेंडरी पल्टाइल अल्कोहल सिमिलरली यही काम हम टर्सरी के लिए कर सकते हैं तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें ये सब चीजें आपको किताबों में थोड़ी लिखा हुआ मिलेगा आप तो ऐसे लिख डालोगे अगर आपको नहीं पता है तो बात समझ लो कि नहीं तो बेटा समझो बात को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी तो ये आपके सामने आ गया है ना अब देखो आगे जब हम सेकेंडरी अल्काइल की बात कर रहे हैं तो जरा एक बार और देख लेते हैं जैसे हम सेकेंडरी प्रोपाइल की बात करें प्रोपाइल तो बेटा देखो आपका ये प्रोपेन हो गया अब सेकेंडरी की बात करो बेटा तो सेकेंडरी का मतलब क्या ये वन डिग्री है ये वन डिग्री है और ये टू डिग्री है तो मैं ऑबियस सी बात आप यहीं से निकालोगे सो दिस सेकेंडरी प्रोफाइल क्योंकि आपको टू डिग्री से ही निकालना है जहां पे फंक्शनल ग्रुप अब यहाँ पे ओएच लगा सकते हो यहाँ पर कोई सा भी आप फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हो ओएच हो सकता है कीटोन हो सकता है अल्डियाइड हो सकता है कोई सा भी हो सकता है सेकेंडरी है ना ब्यूटाइल की बात करें सो मेथ एथ प्रोप ब्यूट चार हो गए देखो अब देखो इसमें चार कार्बन होंगे इस तरह से अब चार कार्बन है बेटा एक तो आप सेकेंडरी अब ये भी आपका सेकेंडरी है ना टू डिग्री ये भी टू डिग्री ये वन डिग्री और ये वन डिग्री तो इससे कोई मतलब नहीं है अब ये टू डिग्री दोनों एक ही जैसे हैं तो किसी एक जगह से चाहे आप यहाँ से लो यहाँ से या फिर यहाँ से यहाँ से निकालोगे ये इधर से निकालोगे तो ये दोनों सेम चीज़ हो जाएगा तो यहाँ पर ये टू डिग्री होना बहुत जरूरी है फॉर सेकेंडरी मुझे लगता है बेटा काफ़ी हद तक मैं आपको क्लियरिटी दे पा रहा हूँ सेकेंडरी पेंटाइल की बात अगर हम करें बेटे सेकेंडरी पेंटाइल की बात अगर हम करें तो देखो पेंटाइल का मतलब कितने कार्बन पाँच एक दो तीन चार पाँच पाँच है अब देखो बेटा यहाँ पर ये तो वन डिग्री है ये आपका टू डिग्री है ये टू डिग्री है ये टू डिग्री है ये ये वन डिग्री है ये तो होने छोड़ो इसको है ना नॉर्मल की बात कर रहे हैं अगर आप और एडजस्टमेंट बना सकते हो तो बना सकते हो अब ये टू डिग्री तो ये दो तो, तो सेंटर वाला है एक यहाँ से निकल सकता है और बेटा इन दोनों में से कहीं एक जगह से निकाल लो सीमेट्रिकल है तो एक तो सेंटर से निकाल दिया एक यहाँ से निकाल दिया तो ये आपके बन सकते हैं तो ये आपका सेकेंडरी की बात होगी ऐसे बेटा कि हम लोग टर्सरी की बात कर सकते हैं सो इन दिस अल्काइल ग्रुप द कार्बन दैट इज कनेक्टेड टू फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी थ्री डिग्री और जिस भी कार्बन से कनेक्ट होगा कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप बेटा इसके लिए ये क्या होना चाहिए थ्री डिग्री कार्बन होना बहुत जरूरी है है ना जैसे कि टेस्टरी प्रोपाइल इज नॉट पॉसिबल कैसे प्रोफाइल बेटा देखो मेथ एथ प्रो प्रोपेन ही हो गया अब इसका ये वन डिग्री है ये आपका टू डिग्री है ये वन डिग्री इसमें तो थ्री डिग्री पॉसिबल ही नहीं है तो इसलिए इसका टर्सरी प्रोपाइल इज नॉट पॉसिबल तो इसका थ्री डिग्री क्योंकि इसमें पॉसिबल है नहीं एक्चुअली में आगे बात करते हैं टेस्टरी ब्यूटाइल की बात करते हैं तो देखो बेटा ब्यूटाइल मीन्स ब्यूटेन आपने लिखा चार कार्बन का अब इसमें थ्री डिग्री बनाना तो थ्री डिग्री कैसे बन सकता है कि भाई एक कार्बन को उठाओ कहीं यहाँ पर बीच में ला लगा दो तो देखो एक कार्बन को देखो ऐसे समझो ये ऐसे था अब इसका थ्री डिग्री कैसे बन सकते है? इस कार्बन को यहां पुट कर दें तो जरा देखो ये कुछ इस तरह से ऐसे लिख सकते हो आप इसको या फिर इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो एक ही बात है कि नहीं बेटा देखो ये इस तरह से तो ये आपका टस् देखो ये थ्री डिग्री है ये थ्री डिग्री है सेम चीज है दोनों है ना तो आप ऐसे लिख सकते हो सो दिस इज ट्री उल टस्व पेंटाइल कैसे लिख सकते हो तो पांच कार्बन है अब पांच कार्बन में बेटा क्या करना है आपको थ्री डिग्री बनाना है तो थ्री डिग्री बनाना है तो एक तो कार्बन को आप उठा के चाहो तो है ना जैसे कि देखो यहाँ पर एक कार्बन है एक कार्बन को उठा के आप यहाँ पर लगा दो यहाँ पे लगा दोगे तो जरा जब आप यहाँ पे लगाओगे तो सी सी और देखो बेटा सी देखो तीन और ये चौथा है और अगर आपने कहाँ पे लगाया बेटा इसको इस इस वाले को उठा के यहाँ पे लगाया यहां पे लगाया तो ये इसको ऐसे लिख लो या फिर बेटा बताओ इसको ऐसे नीचे करके भी तो लिख सकते हो तो सी सी और यहाँ पर ऊपर सी और इस वाले सी को नीचे ऐसे भी तो लिख सकते हो देखो ये थ्री डिग्री हो गया कि नहीं हो गया सो दिस इज थ्री डिग्री टेस्ट रिपेंटाइल ये आ गया कि नहीं आ गया ऐसे ही आप और दूसरी पॉसिबिलिटी बनाओगे तो भी सेम हो जाएगा अगर अगर आप उसको यहां लगाना चाहते हो तो आप देखोगे तो वही सेम चीज बन जाएगी दिस इज देश पेंटाइल मुझे लगता है आपको यहां तक बात भी समझ में आ गई होगी कि किस तरह से थ्री डिग्री ये सब चीजें बेटा हम बताएंगे तो अब देखो जैसे कि जरा बताओ सेकेंडरी प्रोफाइल कैसे बनाए जरा देखना ध्यान से चलो कलर चेंज करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा बेटा आपने क्या है प्रोफाइल प्रोपेन लिया प्रोपेन लिया ठीक अब सेकेंडरी प्रोफाइल बनाना है आपको इसको चाहे आप ऐसे लिखो बेटा या आप इसको ऐसे लिखो कोई दिक्कत तो है नहीं कोई बात तो है नहीं अब सेकेंडरी बनाना है तो यहाँ से निकाल दोगे सेकेंडरी प्रोफाइल बन जाएगा आपका तो गई टू डिग्री है और आईसो बनाना है तो आईसो के लिए क्या बनाया था कि तीन था तो एक कम करो एक चैन लगा दो ये तो बेटा सेम चीज तो बन गया ना यहाँ से तो ये आपका जो सेकेंडरी प्रोफाइल होता है जो आइसो प्रोफाइल होता है अभी आपको मैंने समझाया था दोनों सेम चीज आ जाएगी चलो अब बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल की बात करें तो ब्यूटाइल का मतलब कितने कार्बन चार कार्बन देखो आपके पास चार कार्बन है चार अब चार कार्बन है अब इनका सेकेंडरी बनाना है तो सेकेंडरी कहां तो भी बन सकता है बेटा देखो तो ये वन डिग्री है ये आपका वन डिग्री ये टू डिग्री ये टू डिग्री है यहां से निकाल दो या यहां से निकाल दो दोनों सेम चीज है तो आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल ये ऐसे बन जाएगा है ना टस्टरी ब्यूटाइल बनाना है तो भैया टस्ट्री ब्यूटाइल कैसे बनाओगे एक दो तीन चार अब उसको उठा के यहां लाओगे कि नहीं लाओगे अभी तो बताया था तो जब यहाँ उठा के लाओगे तो ये कार्बन इधर चला जाएगा तभी तो थ्री डिग्री बन पाएगा ना तो थ्री डिग्री और उसके बाद यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगाओगे तो ये आपका क्या बन जाएगा टसरी ब्यूटाइल बन जाएगा राइट आइसो ब्यूटाइल बनाना है तो कैसे बनाओगे आइसो ब्यूटाइल अब जरा देखो चार कार्बन थे बेटे आइसो ब्यूटाइल के लिए एक कम कर दो चलो एक कम कर दिया सेकेंड नंबर पर लगा दिया लेकिन कहां से निकालते हो यहां से यहां पर आप लास्ट कार्बन से अपोजिट टू ब्रांच लास्ट कार्बन से निकल तो बेटा देखो यही डिफरेंस है यहां पर आपको थ्री डिग्री से निकालना है हाइड्रोजन यहां पर आपको क्या करना है आइसो में से अपोजिट टू ब्रांच जो लास्ट कार्बन है वहां से निकालना है सो दैट विल बी योर आइसो बिटाइल आइसो ब्यूटाइल न्यू ब्यूटाइल तो आपको पता है पॉसिबल ही नहीं है अब बेटा देखो कुछ एग्जाम्पल समझने के लिए जो एक कीटोन का कॉमन नेम होता है वो होता है अल्काइल अल्काइल कीटोन कॉमन नेम इथर भी आपका अल्काइल अल्काइल इथर होता है ये कॉमन नेम है कॉमन नेम है इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं सो दैट की आपको और क्लियरिटी बेटा ये बात समझे कि नहीं समझे कि जब आप जब आप यहाँ से थ्री डिग्री या टू डिग्री की बात कर रहे हो तो कहाँ से निकालना होता है आपको और जब आइजो की बात करो तो आपको कहां से निकालना होता है ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देनी है देखो तो जब टेस्टरी ब्यूटाइल की बात करो तो बेटा देखो आपने थ्री डिग्री वाले से निकाला है निकाला है और इसको यहाँ पर फंक्शन रूप से जोड़ोगे लेकिन जब आप आइसो की बात करो तो अपोजिट टू ब्रांच ये वाला यहाँ से निकालोगे और इसको आप फंक्शन रूप से जोड़ोगे बस इतना जरूर ध्यान रखना अब ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ इनको आप आसानी से ध्यान से देखें इनके स्ट्रक्चर्स बनाने न्यू पेंटाइल आइसो एक्जाइल कीटोन सेकेंडरी हेक्जाइल आइसोपेंटाइल कीटोन न्यू एक्जाइल न्यू कीटोन अब ये सब आप एक बार खुद ट्राई करो एक बार अगर आप समझ गए होगे तो उनको कैसे लिंक करना है वो चीज़ आपको समझ लेनी होगी अच्छे से है ना टसरी सेकेंडरी है ना टसरी आइजो सेकेंडरी आइजो है ना वो सारे कॉम्बिनेशन आपको बना लेने हैं ठीक है चलिए तो शुरू करें नियोपेंटाइल और कीटोन तो कीटोन में क्या करना है बेटा आपको आ, चलो आ, उसका सोलूशन मैंने बना रखा है यहीं से देख लेते हैं चलिए देखें नॉर्मल पेंटेन था बेटा नॉर्मल पेंटेन था आपको न्यू बनाना है तो पांच का था तो आपने तीन का स्ट्रेट चेन बना दिया क्लियर बेटे यहां तक ठीक है उसका दो कार्बन आपको सेकंड नंबर पे वन टू तो, थ्री हो गया सेकंड नंबर पे दो कार्बन तो आपका क्या न्यू पेंटाइल बन गया बन गया और कहां से निकालना है आपको अपोजिट ब्रांच यहां से निकालना है न्यू आपका न्यू रेडी है समझना अब कीटोन का ग्रुप ये वाला है अब इसमें एक तरफ चाहो तो आप न्यू लगा लो तो नियोपेंटाइल देखो ये है ये वाला फ्री वैलेंसी इस फ्री वैलेंसी को उठा के उठा के लाओ और यहाँ चिपका दो देखो चिपका दिया तो ये आपका नियोपेंटाइल आ गया चलो अब आइए जो एक्जाइल बनाते हैं नॉर्मल एक्जाइल आपका ये है अब एक कम किया तो पांच का बना ये देखो 1 2 3 4 5 है ना और सेकंड नंबर पे 1 2 3 4 5 सेकंड नंबर पे कार्बन लगा दिया अब बताओ जो ब्रांच लगाते हैं उससे अपोजिट एकदम दूर वाले कार्बन से यहां से निकालना है अब इसको उठा के इस वाले को चिपकाना है यहां पे इस वाले को यहां पे लाके चिपकाना है तो जब इस वाले को चिपकाओगे आगे बेटा तो ये वाला कार्बन यहां पे आ जाएगा और देखो ये कार्बन इधर चला जाएगा बात समझ रहे हो ना बेटे तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर वाला ये यह वैलेंसी यहां पर एड होगा आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल था आपका क्या सेकेंडरी हेक्जाइल आइसो चलिए सेकेंडरी हेगजाइल आइसो सेकेंडरी हेक्जाइल आईसो पेंटाइल सेकेंडरी एक्जाइल के लिए क्या करोगे भाई वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब सेकेंडरी एक्जाइल है तो बेटा तो बताओ ये टू डिग्री ये टू डिग्री टू डिग्री अब इनमें से कई सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है मैंने एक पॉसिबिलिटी लिया है तो बेटा एक काम करो इसी को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख ले कोई दिक्कत तो नहीं इसी को हमने ऊपर करके लिख लिया ऐसे एक ही बात तो बेटा स्टेट चैन अब बताओ बेटा ये जो कार्बन है टू डिग्री है नहीं टू डिग्री है इसको फ्री कर लेते हैं और इसको यहां पर जोड़ देते हैं जरा देखो तो क्या ये सेकेंडरी एक्जाइल हो गया जरा देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स समझ रहे हो ना बेटा कैसे कर रहे हैं अब आइसो पेंटाइल आइसो पेंटाइल अब आइसो पेंटाइल कैसे बनाओगे तो पहले पहले पांच कार्बन का बनाओ वन टू थ्री फोर फाइव एक कम करो चार का हो गया और सेकेंड नंबर पे ये लगा दो उसका दूर वाला फ्री वैलेंसी अब ये वाला फ्री वैलेंसी देखो जोड़ के देखो यहाँ पर इस वाले को उठा के यहाँ पे चिपकाओ तो जरा देखो यह है इसके बाद फिर अगर एक कार्बन फिर दो कार्बन देखो एक कार्बन फिर दो कार्बन फिर इधर से तीसरे कार्बन पे देखो ये लगा हुआ है फिर ये चौथा कार्बन तो दिस इज आइसो मुझे लगता है आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी कीटोन के साथ लगाना है आपको कीटो ग्रुप के साथ है ना ये जस्ट मैंने इनको एप्लीकेशन समझाने के लिए सारी चीजें बताई हैं आई होप बेटा कि आप सेकेंडरी आइसो नियो टर्सरी सब में बहुत क्लियरली डिफरेंस समझ पा रहे हो इतनी अच्छी क्लियरिटी बेटा और इससे ज्यादा क्लियरिटी नहीं हो सकती मैं बता रहा हूं बुक्स में आपको डिटेल में कहीं पर भी इतना ज्यादा कहीं पर भी मैं चैलेंज करता हूं नहीं मिलेगा आपको ठीक है चलिए थर्ड नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं क्या था थर्ड नंबर था नियो हेक्जाइल नियो पेंटाइल अब नियो हेक्जाइल नियो पेंटाइल बनाओ भाई तो नियो हेक्जाइल बनाना है चलिए एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पाँच और छः अब न्यू एक्जेल बनाना है तो दो कम कर दिया तो चार हो गए एक दो तीन चार अब सेकेंड नंबर वन टू थ्री फोर सेकेंड नंबर पर दो कार्बन लगा लिए अब ये फ्री वैलेंसी जोड़ो जरा देखो देखो वही चीज जुड़ रहा कि नहीं जुड़ रहा देखो ये दो कार्बन फिर इधर ये देखो ये दो कार्बन फिर ये सेम चीज़ आ गई अब न्यू पेंटाइल अब न्यू पेंटाइल न्यू पेंटाइल तो पांच कार्बन पहले लिखे हमने दो कम कर दिए तो तीन कार्बन हो गए एक ऊपर और एक नीचे और ये फ्री वैलेंसी हो गया अपोजिट वाला अब इसको जोड़ लो तो जरा इसको आप, आप जब आप इसको यहाँ पे जोड़ोगे आप ऐसे आके तो आप देख सकते हो कि इसके बाद एक कार्बन आएगा एक कार्बन इसके बाद ये तीन कार्बन वाला ये देखो आया फ्री आया हो गया काम खत्म तो। चौथा जरा देखो आई होप बेटा तीन एग्जाम्पल से आपको क्लियरिटी बहुत अच्छे से मिल जाएगी है ना न्योगजाइल हो गया टसरी पेंटाइल सेकेंडरी हेक्जाइल टस्सरी पेंटाइल सेकेंडरी हेक्जाइल चलिए अब इस पर देखें टसरी पेंटाइल तो पेंटाइल मतलब पाँच कार्बन एक दो तीन चार एक दो तो तीन चार पाँच अब टर्सरी बनाना है बेटे तो टर्सरी कैसे बन सकता है भाई टर्सरी बनाने के लिए थ्री डिग्री करना होगा तो इस कार्बन को उठा के यहाँ पे डालें अगर हम तो जरा देखो ये कार्बन उठ के यहाँ चला गया तो ये जरा देखो ये ये ऊपर चला गया यहाँ पे देखो ये यह यहाँ चला गया थर्ड नंबर पर और ये वाला कार्बन है ना यहाँ चला गया और ये कार्बन ये बच गया बच गया इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या देखो ये पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है देखो इसको आप नीचे करके ऐसे लिख लो अब देखो ये फ्री वैलेंसी हो गया ऐड करो जरा यहाँ देखो चेक करो सकता तो अब ये तो थ्री डिग्री है कि नहीं तो दिस इज थ्री डिग्री सो दिस इज टेसरी पेंटाइल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा सेकेंडरी हेक्जाइल अब हेक्जाइल सेकेंडरी एक दो तीन चार पाँच छः एक एक पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ हेक्जाइल इसको आप ऐसे लिख लो कैसे इसको आप टेढ़ा करके यहाँ लिख लो मतलब कोई फर्क तो पड़ता नहीं है एक ही बात ही है ये ये देखिए ऐसे अब बताओ बेटा क्या ये टू डिग्री है टू डिग्री होना बहुत जरूरी है सेकेंड्री अगर है अब इसको उठा के यहाँ छोड़ दिया जरा चेक कर लो देखो वही है यहाँ पर है इसके बाद चार कार्बन यहाँ उसके बाद चार कार्बन ये लीजिए जनाब है ना चौथे नंबर पे चलते हैं मुझे लगता है एकदम समझ में आ रहा होगा बहुत क्लियरली बेटे आपको चौथे नंबर पे चलते हैं टस्री पेंटाइल सेकेंडरी हेक्जाइल ये हो गया ना शायद पाँचवें नंबर टसरी हेक्जाइल आइसो पेंटाइल टसरी हेक्जाइल आइसो पेंटाइल टसरी हेक्जाइल आइसो पेंटाइल इसका एक और पॉसिबिलिटी इन्होंने बताया शायद हाँ अब जैसे यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर इसका एक पॉसिबिलिटी और बताया गया क्या बताया गया कि भाई ऐसे भी लिख सकते हो या फिर भाई इसको क्या करो ये छः कार्बन का था बेटे तो देखो एक दो तीन चार पाँच है ना एक दो तीन चार पाँच क्या तो था था बेटा एक कार्बन यहाँ पे और होना चाहिए ऐसे ये वाला भी ये भी तो टू डिग्री है ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है यहाँ पर तो कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये इसके बेसिस पे भी आप बना सकते हो अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट जो आपका है टसरी हेक्जाइल आइसो पेंटाइल टसरी हेक्चाइल आइसो पेंटाइल चलिए टसरी हेक्जाइल अभी बना अभी बनाया आपने एक दो तो, तीन चार पाँच छः अब टसरी हेक्जाइल कैसे बनाना है बेटा आपको बताओ ये वाला उठा के ये वाला कर्म उठा के यहाँ डाल दें या यह यहां भी डाल सकते कई सारी पॉसिबिलिटी आप चेक करना होगा आपको है ना बट मैं एक एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं सो so दैट कि आपको क्लैरिटी आ जाए तो इसको उठा के यहां डाला तो बेटा क्या बना तो एक दो तीन ये हो गया और इस कार्बन पे जरा ध्यान दो उठा के आपने ये वाला कार्बन डाला और एक कार्बन ये था इसको आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो देखो ये फ्री हो गया बैलेंस उठा के यहाँ पुट कर दो ये देखिए ये थ्री डिग्री है कि नहीं है आइसो पेंटाइल अब मजा आ रही कि नहीं आ रही बेटा बताओ बताओ रियली कर रहे हो कि नहीं करोगे किस तरह से अब बताओ ये छोटी छोटी चीजों में बड़ा कंफ्यूजन लोगों को होता है और मैं ये कंफ्यूजन आप लोगों का दूर करना चाहता था आइसो पेंटाइल चलो पेंटायल। पांच कार्बन पहले बनाओ एक दो तीन चार पांच अब आइसो है तो एक कम कर दो चार एक यहां सेकेंड नंबर पर लगा दो और फीवेलेंसी दूर वाला अब इस वाले को उठा के यहां पे जोड़ दो देखो जरा से जोड़ के देखो तो इसके बाद देखो दो कार्बन मिले देखो ये दो कार्बन मिले थर्ड कार्बन पे ये कार्बन लटका हुआ है फिर आपके सामने है ना छठवा नंबर क्या है जरा देखो टसरी पेंटाइल न्यू पेंटाइल टसरी पेंटाइल न्यू पेंटाइल टसरी पेंटाइल न्यू पेंटाइल चलो अब ये देखो टसरी पेंटाइल तो भैया एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चलो थोड़ा कलर चेंज कर लें हैं सो so दैट की और क्लियरिटी आपको मिले मस्त जबरदस्त तरीके से बैठे और खूब मजे से आप करो बढ़िया से है ना कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको ना मिले बिल्कुल भी अच्छे से देखो अब देखो एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच टस्सी पेंटाइल बनाना है अब टसरी पेंटाइल कैसे बनेगा फिर से बात बेटा इस कार्बन को देखो इस कार्बन को देखो क्या मैं इसको उठा के यहां पुट कर दू चलो करो एक दो अब इस कार्बन को देखो थर्ड कार्बन पे देखना इसको उठा के मैंने ऊपर यहाँ ले आए और इस वाले कार्बन को सीधे लिखो या ऐसे लिख दो देखो और ये फ्री वायलेंसी देखो हो गया ये थ्री डिग्री नाउ दिस इज ये लीजिए न्यो पेंटाइल एक दो तीन चार पाँच नियो के लिए क्या करना है पांच है हैं दो कम कर दो तीन हो जाएंगे एक ऊपर लगा दो एक नीचे लगा दो और लास्ट वाला जो है उसको फ्री कर दो अब उसको उठा के आते वो देखो जरा सा सेम चीज़ आ रही है कि नहीं बिल्कुल सेम चीज़ आ रही है चलो और और आप देखो नियो पेंटाइल वाला भी हो गया है ना यस लास्ट सेकेंडरी पेंटाइल आइसो पेंटाइल सेकेंडरी पेंटाइल आइसो पेंटाइल ये देखिए सेकेंडरी पेंटाइल तो यह पांच कार्बन एक दो तीन चार एक दो तीन एक दो तीन चार पाँच इसको ऐसे लिखो ना नीचे करके हो गया ना सेकेंडरी पेंटाइल अब इसका फ्री वैलेंसी टू डिग्री वाला हो गया कि नहीं हो गया ये उठा के छोड़ दो देखो हो गया ये आइसो पेंटाइल एक दो तीन चार पाँच देखो हर एक चीज़ बना बना के दिखा रहा हूँ पाँच एक कम कर दो एक दो अब इससे बेस्ट तरीका क्या बताऊँ मैं आपको ये लंबा वाला जो दूर वाला चाह लास्ट वाला पॉजिटिव ब्रांच इसको यहाँ से उठा के जोड़ दो देख लो सेम चीज़ आपके सामने है तो इस तरह से बेटा आप सारा आइसो क्या होगा नियो क्या होगा सेकेंडरी क्या होगा टर्सरी क्या होगा है ना कैसे कैसे आप कंपाउंड बनाओगे है ना किस तरह से इनके कॉमन नेम ये तो सारे के सारे मैंने आपको कॉमन नेम सिखाए है आयुपैक नहीं है ये सबके सब क्या है कॉमन नेम अब बेटा अब मान लो अब अब इनका क्या है जैसे आपसे बोल दिया जाए मान लो आपसे देखो इनका इंपॉर्टेंस क्या है वो थोड़ा सा आपको ये समझाना चाहता हूँ जैसे कि ये मान लो मैंने स्ट्रक्चर से यहाँ पे लिखे अब मैंने आपसे बोल दिया चलो चलो आयुपैक की बात करते हैं आपसे बोल दिया जाएगा राइट आयुपेक ऑफ न्यू पेंटाइल आईसो एक्जल की टोन खा लिख पाओगे कब लिख पाओगे जब आप उनका स्ट्रक्चर बना पाओगे स्ट्रक्चर बनाना मैंने सिखा दिया कॉमन नेम से अब स्ट्रक्चर आपने बनाना सीख लिया देन यू कैन राइट आयो पैक नेम अब आपसे बोलेगा इसका आई नाम लिखो तो कब लिख पाओगे जब आप इसका स्ट्रक्चर बना पाओगे तभी तो आई नाम लिख पाओगे ना बेटे तो ऐसे इन सबके जब तब तब तक आप स्ट्रक्चर नहीं सीखोगे तब तक आप, तक आप, तक आप तक आई कैसे लिख पाओगे तो इसलिए मैंने आपको पहले ये सारी चीजें सिखाई अब देखो ना बेटा अब आप जब ये सारी चीजें सीख गए हो देन यू कैन राइट इजी आई यूपे तो अब 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 हम लोग हाइड्रोकार्बन देखो अब बहुत सारी चीजें देखो धीरे धीरे आपने एक चीज़ देखा बेटा की लेवल बढ़ते 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 हम लोग काफी अच्छे लेवल पर पहुंचे और काफी सही चीज़ें काफी सारी चीजें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की बेटे है ना और ऐसे आगे अब नेक्स्ट क्लास में प्योरली आपका कॉमन नेम भी हमने कर दिया हल्के का है ना अल्केन का कॉमन नेम हो गया तो इवन की हमने कॉमन नेम ऑफ कीटोन भी कर दिया आपको साथ साथ है ना वो सो so दैट कि आपका नियो आईजो टैस सेकेंडरी का आप अपलीकेशन सीख पाओ इसलिए कीटोन का भी एग्जाम्पल ले लिया कोई प्रॉब्लम नहीं नो प्रॉब्लम एज सच है ना बट इनका अप्प्लीकेशन आपने सीखा दैट इज मोर इंपॉर्टेंट अब इन सबको हम डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे तो नेक्स्ट जो सेशन आएगा आपका उसमें हम लोग प्योरली आयू पैक ऑफ अल्केन की बात करेंगे जिसमें ब्रांचिंग भी होगा ब्रांचिंग पे ब्रांचिंग होगा ठीक है और बहुत जबरदस्त चीज़ है क्या कैसे पेरेंट चेंज को सिलेक्ट करेंगे सर वहीं अब नेक्स्ट जो आपका आएगा वो एम आएगा क्या आएगा एम रूल जो है आयु पैक का जो कि मैजिकल मतलब क्या बोलूँ मैं हर जगह चाहे पॉलीफंक्शनल की बात करो चाहे स्पाइरो की बात करो चाहे बाईसाइकिलों की बात करो एम लगाओ आयू नाम लिख डालो खत्म कहानी ठीक है तो बेटा आज इतना ही रखते हैं है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटे दबाओ बेटे शेयर करो सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू वेरी मच बेटा गॉड ब्लेस यू ऑल लव यू ऑल खूब पढ़ो खूब लिखो खूब आगे बढ़ो और बेटा आज की क्लास जो भी मैं कराया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी इसका प्रैक्टिस आप जरूर करना सारे के सारे नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा इसके आपके सामने ठीक है चलिए ओके थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू ऑल Why not D?